हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम क्रैशिंग है, और ये पूरे नेटवर्किंग चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बिहार पर आज ही पूरी क्लास कॉन्सेप्ट को सीखने पे लगा देंगे। कल की क्लास में अगली क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो क्रैशिंग क्या होता है? अभी तक मैं आपको 75% नेटवर्किंग करा चुका दोस्तों। तो क्रैशिंग क्या होता है आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं, इसका मतलब लिखते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा क्रैशिंग। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे साथ साथ क्या है क्रैशिंग का मतलब। तो लिखना, क्रैशिंग इज अ टेक्निक, क्रैशिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड, क्रैशिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टू रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रैशिंग इज अ टेक्निक टू रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दोस्तों, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्रैशिंग एक ऐसी टेक्निक है, क्रैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, क्रैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों, क्रैशिंग क्या होता है? क्रैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक्टिविटी वन ए एक्टिविटी है और एक बी एक्टिविटी है। ये मेरा टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया, और यहां से सी एक्टिविटी और यहां से डी एक्टिविटी, ये हो गया मेरा फोर। तो ये मेरी एक्टिविटी ए हो गई, ये एक्टिविटी बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। मान ले ये मेरा टोटल प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों, इसको करने में लगते हैं 2 दिन, इसको करने में लगते हैं 4 दिन, इसको करने में लगते हैं 7 दिन और इसको करने में लगते हैं 6 दिन। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या करेगा? क्रैशिंग करेगा कि यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पॉसिबल पाथ कौन से हैं। तो ऊपर वाले नेटवर्किंग में आप देखो सबसे पहले पॉसिबल पाथ कौन से हैं। तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो ए से बी, ए से सी। तो ए से सी आपके पास एक पॉसिबल पाथ, इसमें आपके पास 7 8 9 लग रहा है, और एक पॉसिबल पाथ है बी से डी जिसमें आपके पास 6 और 4 10 लगता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ। तो क्रैशिंग क्या करेगा? जो क्रिटिकल पाथ होगा ना, उसके अंदर जो ड्यूरेशन होगी हर एक एक्टिविटी को करने के लिए, मतलब ये एक्टिविटी करने के लिए जो ड्यूरेशन दे रखी है वो इन मंथ दे रखी है, ड्यूरेशन इन मंथ। तो मतलब जो एक्टिविटी ए है वो 2 महीने में कंप्लीट होती है, एक्टिविटी सी 7 महीने में कंप्लीट होती है, एक्टिविटी बी 4 महीने में, और एक्टिविटी डी 6 महीने में। तो क्रैशिंग क्या करेगा? क्रैशिंग का जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन लग रहा है, टोटल ड्यूरेशन कितना है हमारे पास? 10 महीने। मतलब अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहूं तो मेरे को 10 महीने लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब आप इस पर्टिकुलर टाइम को रिड्यूस करके, आप इस पर्टिकुलर टाइम को रिड्यूस करके 9 महीने लिखा देते हो, लियाते हो, या 8 महीने लियाते हो, तो इस प्रोसीजर, जो टेक्निक लगाई, जो टेक्निक आपने लगाई रिड्यूस करने के लिए, जो टेक्निक लगाई, कौन सी टेक्निक लगाई? क्रैशिंग वाली टेक्निक। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या नाम देंगे? क्रैशिंग। हमने क्या बोला, तेरा ध्यान सुनना, कोई भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? उस प्रोजेक्ट में ड्यूरेशन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पार्ट जो होगा वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहेगा, और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहेगा मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उतना टाइम चाहिए। तो मिनिमम टाइम जो हमें चाहिए वो 10 महीने चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब प्रोजेक्ट क्या हुआ दोस्तों? प्रोजेक्ट
जब आप टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं और 10 महीने से 9.5 महीने या 9 महीने या 8 महीने में ले आते हो, जो रिड्यूस करने के लिए आपने जो टेक्निक यूज करी, दैट्स कॉल्ड क्रैशिंग। उसको हम क्या कहते हैं? क्रैशिंग कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रैशिंग क्या होता है, तो आप कहना जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, अगर उस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हमें एक टेक्निक लगानी पड़ती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं क्रैशिंग। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन समझ में आया? अच्छा, तो यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स है जो क्रैशिंग के अंदर आपके पास यूज होगी, उसको मैं पहले सिखा देता हूं। तो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन क्रैशिंग, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन क्रैशिंग कॉन्सेप्ट। तो क्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बेसिक टर्म्स यूज होती है, और वो बेसिक टर्म क्या यूज होती है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो पहली टर्म जो हमारी है वो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किसे कहते हैं? हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में? दोनों में लिख दो या हिंदी में लिख दो। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, एक प्रोजेक्ट को, ये आएगा नहीं, आपसे नहीं पूछेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है, आपसे नहीं पूछेगा बेसिक टर्म को इंग्लिश में लिखकर दिखाइए, लिखना चाहते हो तो सिंपल ही लिख देंगे। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, जो मिनिमम टाइम लगता है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम, मिनिमम ना लिखकर टाइम लगता है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन कैसी है, फेवरेबल, नॉर्मल या अनफेवरेबल। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगता है, उसको हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और ये निकालने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? क्रिटिकल पाथ। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मींस टोटल टाइम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मींस टोटल टाइम, टोटल टाइम इंकर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मींस टोटल टाइम इंकर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, इंकर्ड होता है, उसको हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, ठीक है सर? यहां पर बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये सही लिया। अब मुझे बताओ, नॉर्मल 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 टाइम किसे कहते हैं? अब मुझे बताओ, ये नॉर्मल टाइम किसे कहते हैं? नॉर्मल टाइम के बारे में देखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, अब इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, लिखना चाहो तो आप आराम से लिख सकते हो। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, उसे नॉर्मल टाइम कहते हैं, उसे नॉर्मल टाइम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्त? नॉर्मल टाइम कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि नॉर्मल टाइम मींस टाइम इंकर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है, उस समय को नॉर्मल टाइम से डिनोट करा जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं नॉर्मल टाइम, तो आप कहना है कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल टाइम। आप कह रहे हो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो आप कहना भाई एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। नॉर्मल टाइम का मतलब एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल टाइम। और एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या ड्यूरेशन टाइम, जो भी आप कह लो। तो इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हैं, नॉर्मल टाइम मीन्स द टाइम इंकर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आपको, लिख लेना, ठीक है जी।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्रैश टाइम किसे कहते हैं, क्रैश टाइम किसे कहते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ये नया पॉइंट है दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो दो है ना, ये दो मेरा नॉर्मल टाइम है। मतलब अगर मैं एक्टिविटी ए को कंप्लीट करना चाहता हूं तो मेरे को 2 महीने लग जाएंगे नॉर्मली। मुझे कितने महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे। ये भी आपके पास नॉर्मल टाइम है, ये भी आपके पास नॉर्मल टाइम है, और ये भी आपके पास नॉर्मल टाइम है। जो हमें ड्यूरेशन दे रखी होती है वो एक्टिविटी पर, एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम नॉर्मल टाइम से डिनोट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्रैश टाइम किसे कहते हैं। अगर कोई एक्टिविटी को मुझे जल्दी करवाना हो, सुनना ध्यान से, मान लो एक्टिविटी डी को मुझे जल्दी करवाना है, तो जल्दी करवाने के लिए अभी इस एक्टिविटी डी के अंदर कितने लेबर लगते हैं, अभी इस एक्टिविटी डी के अंदर 4 लेबर लगे हुए हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी में अभी 2 मशीन लगी हुई है, तो 2 मशीन और 4 लेबर अगर एक्टिविटी डी में लगेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो मैंने कहा क्या करूं जिससे ये एक्टिविटी में जो 6 महीने लग रहे हैं ये रिड्यूस हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए, सुनना ध्यान से, ऐसा क्या करूं जिससे जो एक्टिविटी डी है उसको कंप्लीट करने में 6 महीने से कम समय लगे। तो अभी एक्टिविटी डी करने में 4 लेबर और 2 मशीन लगती है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करता हूं, जहां 4 लेबर लगे हैं वहां मैं लगाता हूं 6 लेबर। 4 लेबर की जगह मैंने लगाई 6 लेबर, और 2 मशीन की जगह मैंने लगाई 4 मशीन। तो अब मैंने क्या करा दोस्त, जहां पहले 4 लेबर और 2 मशीन मिलकर एक्टिविटी डी को 6 महीने में कर रहे थे, अब मैंने लेबर की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, लेबर भी बढ़ा दिए और मशीन भी बढ़ा दी। लेबर आपको 4 से 6 कर दिए, मशीन 2 से 4 कर दिया। तो ऐसे करने से मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा खर्च हुई, ऐसे करने से मेरी क्या लगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, लगी नहीं लगी। और जब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाऊंगा तो अब 6 महीने का काम 4 महीने में हो जाएगा, और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, क्रैश टाइम। क्रैश टाइम मतलब वो मिनिमम टाइम जो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगता है जब हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड कर देते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करने से जो एक एक्टिविटी में मिनिमम टाइम लगता है उसको हम क्रैश कॉस्ट कहते हैं, क्रैश टाइम कहते हैं। ध्यान सुनना, 6 महीने लगते थे एक्टिविटी डी को करने में, अब ये एक्टिविटी डी 6 महीने लगते थे एक्टिविटी डी को करने में, जब 4 लेबर और 2 मशीन थी, मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगाकर 6 लेबर करे 4 मशीन करी, अब वो काम जो एक्टिविटी डी है वो अब 4 महीने में होगा। तो क्रैशिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप, अगर आप किसी भी एक्टिविटी को, अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, टाइम को रिड्यूस कर पाओगे। तो क्रैशिंग तभी पॉसिबल है जब आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे। सिंपल सी बात है भाई, पहले 4 लेबर और 2 मशीन करके 6 महीने लगाते थे, अगर अभी भी 4 लेबर और 2 मशीन रहेगी तो अभी भी 6 महीने ही लगेंगे एक्टिविटी डी को, तो वो कम कैसे हो जाएगा। कम करने के लिए तो आपको लेबर को बढ़ानी पड़ेंगे, मशीन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कम हो पाएगा। तो किसी भी टाइम को आपको क्रैश करना है, रिड्यूस करना है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो क्रैशिंग टाइम क्या हो गया, अब मेरा क्रैशिंग टाइम हो गया 4। अब मेरा क्रैशिंग टाइम क्या होगा, 4। नॉर्मल कितना था, 6, और क्रैशिंग टाइम कितना है, 4। तो सर क्या, ध्यान सुनना, अगर मैं 6 लेबर की जगह 12 लेबर लगा दूं और 4 मशीन की जगह मैं 12 मशीन लगा दूं, तो अब क्या मेरा क्रैशिंग टाइम 4 से रिड्यूस होगा। हाँ रिड्यूस होगा, पर एक हद तक, एक लिमिट तक रिड्यूस होगा, एक लिमिट तक रिड्यूस होगा। अगर मैं यहां पर 4 लेबर की जगह 100 लेबर लगा दूं और 100 मशीन लगा दूं, क्या मैं 0 टाइम में कंप्लीट कर दूंगा एक्टिविटी, नहीं। एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है भाई, मान लो एक जगह है, मान लो उसको तोड़ना है, छोटा सी जगह है, मान लो एक पत्थर है बहुत बड़ा, इतना सा पत्थर है, मान लो इतने से पत्थर में एक तोड़ना, अभी 4 लेबर तोड़ रहे हैं, अब मैंने यहां 4 लेबर खुल्ला तोड़ रहे हैं, अब मैं 4 लेबर इधर कैपेसिटी सिर्फ तोड़ने की सिर्फ 6 लेबर की है, तो क्या मैं इसमें 12 लेबर लगा दूंगा, क्या फायदा, 6 लेबर आएंगे वो थक जाएंगे, फिर दूसरे 6 जाएंगे, ऐसे क्या फायदा यार। 4 जो कैपेसिटी किसी काम को करने की होती है लेबर की, भाई लेबर एक काम में ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा है कि 100 लेबर लगा दोगे। इतना सा पत्थर तोड़ना है उसमें एक लेबर का तोड़ सकता है, उसकी जगह 100 लेबर लगा दूंगा, तो क्या टाइम कम हो जाएगा, और टाइम लगेगा उसमें।
समझ में आ रहा है? तो जब भी हम कोई क्रैशिंग करते हैं तो एक लिमिट तक क्रैशिंग होती है दोस्तों, जो मिनिमम टाइम लग जाएगा, हम मिनिमम टाइम तक जो क्रैश कर जाएंगे उसको क्रैशिंग टाइम कहते हैं। तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कितनी भी लेवल लगा लो, 4 महीने तो लगेंगे लगेंगे इस काम को करने में, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? क्रैश टाइम कहते हैं। आओ क्रैश टाइम के बारे में लिखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट या आप कह सकते हो एक्स्ट्रा पैसे लगाकर, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को रिड्यूस कर देना, किसी एक्टिविटी के, किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को रिड्यूस कर देना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करोगे तो जो नॉर्मली टाइम 6 महीने में होता था अब वो 4 महीने में होने लगेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को रिड्यूस कर देंगे, तो जो मिनिमम टाइम अब उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा, जो मिनिमम टाइम अब उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा आफ्टर क्रैशिंग, क्रैशिंग करने के बाद, तो उस मिनिमम टाइम को क्रैश टाइम कहते हैं, उस मिनिमम टाइम को क्रैश टाइम कहेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि जो एक्टिविटी डी थी, एक्टिविटी जो डी थी उसको करने में पहले 6 महीने लगे थे। अब मैंने क्या करा, और 6 महीने लगे थे कब, जब उनके पास 4 लेबर काम कर रहा था, कर रहे थे, और 2 मशीन थी। 4 लेबर और 2 मशीन जब काम कर रहे थे तो उस एक्टिविटी डी को 6 महीने लग रहे थे। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करी, मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करी, और एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करने से, और एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड ये करी कि अब मैं 4 की जगह 6 लेबर लगाऊंगा और 2 मशीन की जगह 4 मशीन लगाऊंगा। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करने से अब जो मेरी एक्टिविटी डी है, अब जो मेरी एक्टिविटी डी है दोस्तों, वो 4 महीने में हो जाएगी। मिनिमम टाइम आपको 4 महीने अभी लगेगा एक्टिविटी डी करने में, एक्स्ट्रा कोर्स लगाने के बाद। तो जो 4 महीने हैं इतना तो लगेगा लगेगा एक्टिविटी डी करने में, तो यही क्या मानी जाएगी, अब क्रैश टाइम माना जाएगा, इसी को हम क्रैश टाइम कहेंगे। लो भाई लो, बात समझ में आई नहीं आई? क्रैश टाइम मीन्स द टाइम, क्रैश टाइम मीन्स द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी आफ्टर इंकर्डिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। लिखना चाहोगे? क्रैश टाइम मीन्स द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी आफ्टर इंकरिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करने के बाद दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल टाइम रिड्यूस हो जा रहा है तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको क्रैश टाइम कहेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी तो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं और हिंदी से अच्छा क्या ही हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब यहां बात करेंगे नॉर्मल कॉस्ट। अब क्रैश टाइम हो गया, नॉर्मल टाइम हो गया, क्रैश टाइम हो गया, नॉर्मल कॉस्ट पढ़ेंगे, क्रैश कॉस्ट पढ़ते हैं। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या कहता है, ठीक, कॉस्ट नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। क्या बोला,
नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से, नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, नॉर्मल टाइम में अगर मैं किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा हूं तो नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे, उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। मैं किसी एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करता हूं। नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करने के लिए आपने लेबर लगाए, आपने मशीन लगाया, आपने रॉ मटेरियल लगाया, आपने पावर लगाई, बहुत से खर्चे होते हैं। कुछ डायरेक्ट खर्चे हो गए, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हो गए। तो नॉर्मल समय मतलब एक एक्टिविटी डी है उसको नॉर्मली अगर आप काम करते हो तो 6 महीने में होगा काम। तो 6 महीने तक आपको लेबर की तनख्वाह, वेजिस, मशीन का आपके पास रिपेयर मेंटेन है, मशीन के पास जो पावर हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो, रॉ मटेरियल, तो 6 महीने क्या था नॉर्मल समय। तो नॉर्मल टाइम में अगर मैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूं या कंप्लीट करता हूं और उसमें जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उस नॉर्मल टाइम में करते करते जो कॉस्ट लगती है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इंकर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल टाइम। लिखो दोबारा, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इंकर्ड, नॉर्मल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इंकर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल टाइम। लिख दिया आपने इंग्लिश में। तो नॉर्मल टाइम में अगर, नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। क्रैश कॉस्ट किसे कहेंगे जी? क्रैश कॉस्ट, अच्छा इसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक्टिविटी डी जो मेरी है, एक्टिविटी डी में ऊपर अगर मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो एक्टिविटी डी में नॉर्मल 6 महीने लगते हैं। और नॉर्मल समय कब होता है? जब मैं 4 लेबर और 2 मशीन लगाता हूं। मशीन की जो कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट आती है मशीन की आपके पास, मान लो 2000 रुपए आती है, और 4 लेबर की जो कॉस्ट आती है पूरे 6 महीने में वो मान लेते हैं 10,000 रुपए की आती है, तो 12,000 रुपए लगते हैं। रॉ मटेरियल को भी इग्नोर कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए, छोटी छोटी बात भी तो सिर्फ चीजें समझा रहा हूं। तो 6 महीने लग गया एक्टिविटी और उसमें इतनी कॉस्ट आ गई, तो ये 12,000 रुपए आपके पास क्या सो होगा? नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? बेसिक बात है, बेसिक बात है। रॉ मटेरियल हो सकता है इसमें, डायरेक्ट कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, बहुत कुछ होगी कॉस्ट। तो अभी तो बस जितना मैंने एग्जांपल आपको ऊपर बताया था उस हिसाब से कॉस्ट बता रहा हूं। आगे बात कर लेते हैं कि सर अगला पॉइंट है हमारा क्रैश कॉस्ट। ये सर जो बेसिक टर्म्स है ना, ये क्रैशिंग के अंदर आएगा। क्रैशिंग कैसे करेंगे वो भी सीखना है, पर बेसिक टर्म पहले सीखनी पड़ेगी ना। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, क्रैश टाइम क्या होता है, क्रैश कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं बोला, क्रैश कॉस्ट बोला है। अब सर क्रैश कॉस्ट क्या है? सिंपल यार, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट इंकर्ड होती है वो नॉर्मल कॉस्ट होती है। ऐसी क्रैश टाइम में अगर एक एक्टिविटी को हम कंप्लीट करते हैं उसमें जो कॉस्ट इंकर्ड होती है वो क्रैश कॉस्ट होती है। सिंपल, क्रैश टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, क्या ऊपर वाली बात लिख रहा हूं ना, क्रैश टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, कंप्लीट करने में जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, कंप्लीट करने में जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसे हम क्रैश कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं है क्लियर? एग्जांपल देने की तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल दिया वो 4 महीने के हिसाब से जो कॉस्ट आएगी वो निकालेगा। तो क्रैश टाइम सर, हमें क्रैश कॉस्ट, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल टाइम, ये 4 बातें मैंने आपको बताई, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 5 बातें। ये 5ों बातें पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, 5ों बातें मिलेगी।
क्योंकि इन पांच अगर डाटा नहीं मिला तो मैं क्रैशिंग कर ही नहीं सकता। क्रैशिंग करने के लिए पांच डाटा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, चलो। अब सर एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट। आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, सिंपल मीनिंग। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वही बात यहां पर है, इट मीन द कॉस्ट, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, इट मीन द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी, लिखो विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी में जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है और हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में कोई कॉस्ट इंकर्ड हुई और मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस पे इतनी कॉस्ट लगी, रॉ मेटेरियल का खर्चा इतना हुआ, लेबर का खर्चा इतना हुआ, है ना। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या देते हैं, ऐसी कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। तो यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज, अगर डायरेक्ट कॉस्ट को आप बढ़ाओगे, अगर डायरेक्ट कॉस्ट को आप बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतना आपके प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है रिड्यूस होता चले जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उतना क्या होता चले जाएगा दोस्त, रिड्यूस होता चले जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज होता चले जाएगा। जितना कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी उतना ही प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रिड्यूस होता जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझते, मान लो मेरे पे एक्टिविटी ए है। देखो एक्टिविटी ए के अंदर रॉ मेटेरियल लगता है 10,000 रुपए का, और ये मैं इजिली आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि एक्टिविटी ए जब मैं करता हूं मेरे 10,000 का रॉ मेटेरियल खर्च हो जाता है और मेरे वेजेस खर्च हो जाते हैं, 5,000 रुपए के वेजेस लग जाते हैं। और जब मैं एक्टिविटी बी करता हूं तो एक्टिविटी बी करने में जो मेरा रॉ मेटेरियल लगता है वो 5,000 रुपए का लगता है, और जो मेरे लेबर लगते हैं, लेबर की जो वेजेस लगती है, लेबर वेजेस, वो मेरे लगते हैं 1,000 रुपए के। तो जब मैं इजिली आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कितने रुपए का रॉ मेटेरियल लग रहा है, कितने रुपए की वेजेस लग रही है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो मैं कहता हूं कि दोस्तों ये हमारी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। जब आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल पाए कि भाई एक्टिविटी ए में मुझे पता है रॉ मेटेरियल 10,000 रुपए का लगा है, ये 10,000 का जो रॉ मेटेरियल मुझे खर्च हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ए में हुआ है, किसी और एक्टिविटी में नहीं हुआ, जिस कॉस्ट को मैं बाइफरकेट कर पाऊं कि भाई रॉ मेटेरियल मेरा टोटल 15,000 का खर्चा हुआ, 15,000 के खर्चे में 10,000 जो खर्चा हुआ रॉ मेटेरियल एक्टिविटी ए में हुआ और 5,000 एक्टिविटी बी में हुआ, तो ये जो 10,000 का 15,000 का रॉ मेटेरियल है ये डायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। ये हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसी मुझे पता चल रहा है कि जो भैया एक्टिविटी ए है उसमें वेजेस 5,000 की लगी, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर, और जो एक्टिविटी बी है उसमें 1,000 रुपए लगती है, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। बट जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो आता पॉइंट क्या बात करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इट इज द कॉस्ट, क्या लिखा था ऊपर उस तरीके से लिखते हैं, इट मीन द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, था ना, इधर अलग हो जाएगा, इट मीन द कॉस्ट, ऐसे लिखो जैसे ऊपर लिखा था वैसी, इट मीन द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का अलग ना निकाल पाए कॉस्ट विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो हमारी क्या मानी जाएगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है, मेरे पास दो एक्टिविटी है ए एंड बी। अब मेरे पास ना ये दोनों एक्टिविटी एक ही फैक्ट्री के अंदर काम होता है, इन दोनों एक्टिविटी का जो काम होता है वो एक ही फैक्ट्री के अंदर होता है। अब एक ही फैक्ट्री के अंदर होता है, अब जो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है,
फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, अब वो आया मान लो 5,000 रुपये, तो मुझे बताओ इस 5,000 रुपये में कितना पार्ट ए का है, कितना ए को बिलोंग करता है और कितना बी को, निकाल पाओगे क्या? आप बता पाओगे कि 5,000 का जो बिल आया आपको पूरी फैक्ट्री के अंदर, एक्टिविटी ए भी बनती है, एक्टिविटी बी भी बनती है, और जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5,000 रुपये का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 5,000 रुपये का आया है, इसमें ये बताओ कि इस 5,000 में कितना परसेंट बिल एक्टिविटी ए से खर्च हुआ था, बिल आया था, मतलब एक्टिविटी ए में, ए के हिसाब, ए के एक्टिविटी ए के काम करने में कितना बिल आया इस 5,000 में, एक्टिविटी बी के काम करने में कितना आया, निकाल पाओगे क्या? आपके घर का बिजली का बिल आता है, तो आप मुझे बताओ उस बिजली के बिल में खाना बनाने में कितना बिल आता है और टीवी देखने का बिल कितना आता है, नहीं बता पाओगे ना, बाइफरकेट नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसी तो बोला, इसी को तो कहते हैं इनडायरेक्ट कॉज, जिसको हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं है पर्टिकुलर एक्टिविटी में। आप बता दो कि अपने बिजली का घर में, बिजली का बिल का जो आता है, आपके घर का जो बिल आता है, उस बिल में कितना पार्ट, कितना बिल, उस बिल का कितना अमाउंट टीवी के लिए आया है, कितना टीवी का बिल है उसमें, उसमें ये बताओ के दिखाओ कितना किचन का बिल है, कितना फ्रिज का बिल है, कितना एसी का बिल है, क्या बता पाओगे? फैन का कितना बिल है, नहीं बता पाओगे ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर। तो जब हम किसी कॉस्ट को आइडेंटिफाई, और देखो फैक्ट्री के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी ना हो या लाइटें ना हो, तो आप काम नहीं कर पाओगे, इसका होना भी जरूरी है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं दोस्त? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हुए। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्रैशिंग प्रोसीजर। एक हमारा पॉइंट है क्रैशिंग प्रोसीजर। क्रैशिंग प्रोसीजर, किस तरीके से हम, हमारा प्रोसीजर रहेगा क्रैशिंग करने का? तो स्टेप नंबर वन हमारा रहेगा, हमारा प्रोसीजर है, सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पार्ट। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पार्ट, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पार्ट निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पार्ट, ठीक है, स्टेप नंबर टू। अच्छा, इसका रीजन दे दूंगा, बिकॉज क्रैशिंग शुड बी डन, क्रैशिंग शुड बी डन इन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी ओनली, क्रिटिकल एक्टिविटी ओनली, क्रैशिंग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी के अंदर ही, क्रिटिकल एक्टिविटी में ही होती है। क्रैश सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ, और जो क्रिटिकल पाथ होगा क्रैशिंग भी उसी एक्टिविटीज में होगी और कहीं क्रैशिंग नहीं होगी। ठीक है जी, स्टेप नंबर टू जो हमारा है, इसको आप स्टेप्स को छोड़ दो, ये स्टेप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैंने स्टेप लिखवा दिया आपको समझ नहीं आएगा, स्टेप को छोड़ दो, थोड़ा सा पेज छोड़ दो, स्टेप धीरे धीरे निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे क्रैशिंग का प्रोसीजर क्या है। पहले आपने क्रिटिकल पाथ निकाला, ये तो पता था ना आपको, अब मैं अगली जो वर्ड लिख दूंगा वो आपको पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन कराता हूं, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे मैं स्टेप्स बनाता चले जाऊंगा, वैसे वैसे प्रोसीजर बनता चले जाएगा। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे क्रैशिंग। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक चीज यहां पर बताना जरूरी है, ये तो मैं भूल गया कि ये वाला पार्ट तो बताने दिया। देखो, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पर। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। कैसे, ऐसा समझाइए, मान लो अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर इंक्रीज होता है, तो भैया इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, और ये आपने कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, है ना। तो कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जितना बढ़ेगा, जितने देखो मैंने कहा एक महीने का बिल है, और मेरा प्रोजेक्ट का, अगर एक महीने का बिल 5,000 है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 10 महीने है, तो 50,000 बिल आएगा, और बढ़ जाएगा 12 महीने तो 60,000 बिल आएगा। तो जितना प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उतनी कॉस्ट ये बढ़ती जाती है, और जितना प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन घटता जाता है उतनी ये कॉस्ट
घटती जाती है, समझ में आ रहा है। तो इनका जो नेचर है वो कैसा है नेचर, इनका जो नेचर अगर मैं कहूं तो नेचर किस तरीके का है, वो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। नेचर आपके पास क्या है, सिमिलर नेचर है, मेरे याद नहीं आ रहा। वो इकोनॉमी से पढ़ते थे ना कि भैया ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, और इनका नेचर क्या है, अपोजिट नेचर। इंग्लिश लिख लेते हैं, इकोनॉमी से लिखकर एक इंग्लिश लिखते हैं। अगर डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है तो इनडायरेक्ट घटती, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन घटेगा, और अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और अगर डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है तो इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन घटेगा, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है तो डायरेक्ट कॉस्ट घट, डायरेक्ट कॉस्ट के बढ़ने से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन घट जाएगा और डायरेक्ट कॉस्ट के घटने से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो अपोजिट नेचर होता है दोनों, इन दोनों का नेचर क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट अपोजिट नेचर का है, और इन दोनों का नेचर क्या है, सिमिलर नेचर है, मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं और प्रोसीजर को साथ साथ सीखते हैं। तो सामने मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 10 खोल रखा है, जिसके अंदर मेरे को क्या क्या डिटेल दे रखी है वो देखते हैं। कहता है अ प्रोजेक्ट विद अ नॉर्मल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एंड क्रैश ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। तो एक प्रोजेक्ट आपको दे रखा है जिसके आपके पास नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल कॉस्ट है, क्रैश टाइम है और क्रैश कॉस्ट है, और एक्टिविटी दे रही है, जरा ध्यान सुनना। एक्टिविटी 1 से 2 जो है, अगर नॉर्मली 5 घंटे में हो जाती है और उसमें लगते हैं 200 रुपए, 5 घंटे में हो जाती है 200 रुपए लगता है। अगर मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर इस 5 घंटे काम को 4 घंटे में कराना चाहूं तो मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, और एक्स्ट्रा लगेगी तो 300 रुपए लगेंगे, समझ में आ रहा है। क्रैश करने से क्या होगा, क्रैशिंग किसी भी नॉर्मल टाइम को कम करने से, रिड्यूस करने से, क्रैश करने से आपकी कॉस्ट बढ़ती है, ध्यान देना। याली एक्टिविटी को नॉर्मली 5 घंटे में करेंगे तो 30 रुपए का खर्चा आएगा, और अगर मैं इसको क्रैश कर सकूं तो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो कहां पे इसको क्रैश नहीं कर सकते। कोई कोई एक्टिविटी है जो क्रैश हो ही नहीं पाएगी, आप कितना ही पैसा लगा लो उसके अंदर, तो ये एक्टिविटी क्रैश नहीं हो पा रही। अच्छा, याली एक्टिविटी देखो, नो वही भाई, ये वाली एक्टिविटी 9 घंटे में, अगर 9 घंटे में नॉर्मल टाइम है 9 घंटा, 2 से 4 एक्टिविटी को कंप्लीट करने का नॉर्मल टाइम 9 घंटा है, और 320 रुपए की कॉस्ट आएगी। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं और इस काम को 7 घंटे में कराऊं तो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करूंगा तो 320 से कितनी खर्च हो गई, 480 हो गई। तो इस तरीके से डिटेल आपको दे रखी है सभी एक्टिविटीज के लिए। कहता ओवरहेड कॉस्ट 50 रुपीज पर आवर्स, और जितना आवर्स बढ़ता जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। पर आवर के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है, जितना प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। आवर्स बढ़ेंगे 50, मैं 2 घंटे की कॉस्ट क्या आएगी 100 रुपए, 4 घंटे की कॉस्ट क्या आएगी 200 रुपए, ऐसी बढ़ते जाएगी आवर्स तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, सिमिलर नेचर होता है उसका। ठीक है, तो कहता है एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर दिखाइए और क्रिटिकल पाथ निकाल कर दिखाइए। तो ये आपसे कह रहा है, पर इसमें करना है जैसे आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट लगा देना है चाहे कुछ भी पूछे। तो अभी आपको नेटवर्क डायग्राम और आइडेंटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है, ये तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रैशिंग तभी कर पाऊंगा जब मेरे पे नेटवर्क डायग्राम होगा और आइडेंटिकल क्रिटिकल पाथ होगा, उसके बाद क्रैशिंग चालू होगी। और जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया हो या नहीं बोला गया हो, अगर नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट दे रखा है तो समझना आपको क्रैशिंग करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया, चाहे बोले चाहे ना बोले। अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो स्टेप्स मैं बाद में लिखूंगा, इसके लिए जगह छोड़ देता हूं। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सबसे पहले बनाऊंगा नेटवर्क डायग्राम। ठीक, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं मेरे को नोटेशन बताना चाहूंगा कि देखो नॉर्मल टाइम को जो कहते हैं, हमारे पास 4 बातें सीखी मैंने, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, है ना, हमने 4 बार सीखी थी। पहले हमने सीखा था नॉर्मल टाइम, फिर हमने सीखा क्रैश टाइम, फिर हमने सीखा नॉर्मल कॉस्ट, और फिर हमने सीखा क्रैश कॉस्ट। अब इनकी नोटेशन क्या है, मतलब इनको किस से सिंबल से इनको डिनोट करा जा सकता है। भाई नॉर्मल टाइम, देखो टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे और कॉस्ट को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, टाइम को हम, अगर टाइम होगा तो टी से डिनोट करा जाएगा, अगर कॉस्ट होगा तो सी से डिनोट करा जाएगा। अगर नॉर्मल है तो एन लगा देना, नॉर्मल टाइम, अगर क्रैश टाइम है तो सी लगा देना, क्रैश टाइम ऐसे पढ़ते हो, क्रैश टाइम करके नहीं, क्रैश टाइम ऐसे, और नॉर्मल
नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, इस तरीके से इनको नोटेशन होती है, इन तरीकों को सिंबल है ये, जिनका आपको यूज कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान देना, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, नीचे से ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमें बनाना है नेटवर्क डायग्राम। तो भाई मैं तो पहले बना देता हूं नेटवर्क डायग्राम, फिर बाद में मैं स्टेटमेंट भी बनाने है। एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहले 1 से 2 एक्टिविटी, 2 से 3 और 2 से 4 और 2 से 5, मतलब 1 से 2 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 2 से 4 है और 2 से 5 है। देखो 1 से 2 है, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 5 है, 4 से 5 है, 3 से 5 है, 4 से 5 है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। ऐसा कर लेता हूं, 4 नीचे कर ले आते हैं और 5 को आगे ले जाते हैं, है ना। तो कह रहा है 3 से 5 है और 4 से 5 है, ये भी कह रहा है, बनिया ना सही तरीके से, 3 से 5 है और 4 से 5, 5 से 6 है और 6 से 7, तो 5 से 6 और फिर 6 से 7, बनिया। तो ये बन गया नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। ये तो हुआ आपका नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, नेटवर्क डायग्राम से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ से मुझे लगनी पड़ेगी पहले ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम दे रखा है मुझे 5, 5, 9, 12, तो एक एक करके डालता हूं, 1 से 2 में 5 है, 1 से 2 में मेरा जो टाइम है वो 5 है, ठीक है, ध्यान देना। 2 से 3 में मेरा टाइम है 5, 2 से 3 में मेरा टाइम 5 है, इसके बाद 2 से 4 में 9 है, 2 से 4 में 9 है, ठीक है जी, इसके बाद 2 से 5 में 12 है, 2 से 5 में 12 है, इसके बाद 3 से 5 में 6 है, 3 से 5 में 6 है, इसके बाद 4 से 5 में 0 है, 0 है सर। अगर किसी भी आपको नॉर्मल टाइम 0 हो, मतलब ये डमी एक्टिविटी है, ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इधर देखो, देखो इधर देखे, अगर आपको एक्टिविटी में किसी का नॉर्मल टाइम 0 नजर आता है तो समझ लेना वो आपको डमी के लिए बता रहा है, ये डमी एक्टिविटी है, आपको इसको ढंग से अपलोड करना पड़ेगा फिर दोबारा, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई टाइम दे रखा है, क्योंकि देखो 0 उसी का टाइम होता है जो डमी एक्टिविटी होती है, तो 4 से 5 वाली एक्टिविटी डमी है, ठीक है जी। तो अगर कहीं पर आपको एक्टिविटी में 0 नॉर्मल टाइम दे रखा है या ड्यूरेशन दे रखा है, वो एक्टिविटी क्या होगी, डमी एक्टिविटी होगी। 5 से 6 में 8 और 6 से 7 में 6, 5 से 6 में 8 और 6 से 7 में 6, तो इस तरीके से आपको ड्यूरेशन दे रखा है। तो अब नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद मैं निकालूंगा पॉसिबल पाथ्स। पहला स्टेप मेरा यही था कि पहले आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद आपको निकालो क्रिटिकल पाथ। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल पाथ, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में ही क्रैशिंग हो सकती है, ये कंडीशन है पूरे क्रैशिंग की, ठीक है सर। अब पॉसिबल पाथ क्या क्या हो सकते हैं दोस्त, 1 से 2, हाँ जी, तो पॉसिबल पाथ क्या क्या हो सकता है, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, पहले ये कर लेते हैं, 3 बन रहे पॉसिबल पाथ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, कितना होगा देखो, फिर यहां से 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। अब लास्ट वाला 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो जरा जल्दी से ऐड करेंगे, तो पहले ऊपर वाला कर लेता हूं, 5 + 5 + 10, 16, 8 और 6, ये आ गया 30, तो ये आया 30 आवर्स, क्योंकि जो हमें नॉर्मल टाइम दे रखा है दोस्तों वो आवर्स में दे रखा है, ठीक है, तो ये आया 30 आवर्स। इसके बाद 5 + 12 + 8 और + 6, ये आ गया 31 आवर्स। इसके बाद 5 + 9 + 0 + 8 और + 6, ये आ गया 28 आवर्स। तो जो आपका क्रिटिकल पाथ बना उसको आप किस डबल अंडरलाइन से शो करते हैं, तो एक ये हो गया क्रिटिकल पाथ, 1 से 2, 1 से 2 ये लाना ला दिया है ना क्रिटिकल पाथ, मैक्सिमम ये है, तो क्रिटिकल पाथ आपके पास ये है, तो ये बना 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और फिर 6 से 7, तो ये आपके पास दोस्तों हो गया क्रिटिकल पाथ। इसको हाईलाइट कर देते हैं,
पेपर में हाई लेटर मत ले जाना, पेपर में डबल अंडरलाइन से करना, इनफ है, इनफ है दोस्तों। या तो ये डायग्राम जो नेटवर्क डायग्राम है ना, आप ऐसा कर सकते हो, नेटवर्क डायग्राम को पूरा पेंसिल से बनाना और क्रिटिकल पाथ को पेन से बना देना, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। चलो तो जैसे ही हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ क्रिटिकल पाथ, अब इसके बाद क्रैशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है, आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा दोस्तों, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट स्लोप निकालना होगा। कॉस्ट स्लोप का मतलब होता है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट स्लोप, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट स्लोप। सर कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखो कॉस्ट स्लोप एक तरीके की एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो पर डे की है, इट इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। कॉस्ट स्लोप को क्या बोलते हैं, ये एक तरीके की क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे है, एक तरीके की क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्त, कॉस्ट स्लोप फाइंड करना है, और कॉस्ट स्लोप को कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रैशिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम कितनी कॉस्ट इंकर्ड, एक्स्ट्रा इंकर्ड करें जिससे हम नॉर्मल टाइम से क्रैश कर सके, है ना। अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, क्रैशिंग का मतलब क्या सिखाया था कि टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करना क्रैशिंग होता है। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मेरा काम हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा पर दिन के हिसाब से। जो एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, उसको कॉस्ट स्लोप कहते हैं, और उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है। देखो कॉस्ट स्लोप निकालने का फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देना, ठीक। फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट ऊपर आता है और टाइम नीचे आता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल पीछे आता तो इधर अब नॉर्मल आगे आएगा, और अब ये हो जाएगा नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। मतलब डिफरेंस टाइम का जो डिफरेंस है अपॉन में, सॉरी कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता है कि जो नॉर्मल कॉस्ट होगा एज कंपेयर टू क्रैश कॉस्ट ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगा, और नॉर्मल कॉस्ट कम होगा क्रैश कॉस्ट से, और नॉर्मल टाइम ज्यादा होगा किससे, क्रैश टाइम से। मतलब अगर मैं 6 घंटे में काम करता हूं तो क्रैश टाइम का मतलब 6 से कम लगेगा और पैसे ज्यादा लगेंगे नॉर्मल से, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, क्लोज कॉस्ट ऑफ क्या है, आपके पास आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम, और जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस, मतलब कितना टाइम रिड्यूस हुआ और उस रिड्यूस में कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, कितना कॉस्ट लगने से, कितना टाइम कम होने से कितना कॉस्ट इंकर्ड आया, दैट्स कॉस्ट। ये मतलब अगर आपके पास ये आ जाता है कि ऐसे ऐसे कह लो कि आप अगर आपके पास नीचे 1 आ जाता है और ऊपर आ जाता है 200, तो मतलब 1 दिन कम होने से 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, ये मतलब हो गया इसका। तो मतलब कितना डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम कम होने से, टाइम कितना कम हुआ और उससे कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई, ये कितना टाइम कम होने की वजह से कॉस्ट बढ़ी, इसको बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। तुम्हारा सेकंड जो स्टेप रहेगा वो फाइंड आउट करना होगा कॉस्ट स्लोप, जिसको हम क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल, आपको मत देखना, आपको देखना है कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस। कॉस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए आप देखो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, बड़ा आगे छोटा पीछे, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, और टाइम का डिफरेंस नीचे आएगा, तो टाइम का डिफरेंस के लिए नॉर्मल टाइम बड़ा होता है और कॉस्ट टाइम छोटा होता है। तो सिंपली कॉस्ट स्लोप निकालने के लिए आपको क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम, तो कॉस्ट का डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए, वेरिएंस नहीं बोला, वेरिएंस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बहुत, यहां डिफरेंसेस बोला है और मैंने पॉजिटिव डिफरेंस बोला, यहां लिख लो कहीं डिफरेंस का मतलब नेगेटिव समझो, मेरा यहां डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव डिफरेंस। तो पॉजिटिव लाने के लिए बड़े वाले को आगे छोटे वाले को पीछे करना पड़ेगा,
तो बड़ा वाला हमारा क्रैश कॉस्ट होता है, छोटा वाला नॉर्मल कॉस्ट होता है, और टाइम में बड़ा टाइम होता है नॉर्मल टाइम, क्रैश करता है कम करने के बाद क्रैश टाइम होता है। ठीक है सर, लो भाई करना कैसे है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए यहां पर हम लिखेंगे सर क्या क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम नॉर्मल कॉस्ट, यहां लिखेंगे हम नॉर्मल टाइम, है ना, चारों पॉइंट लिखेंगे, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम, क्रैश कॉस्ट और क्रैश टाइम, और फिर आ जाएगा कॉस्ट स्लोप, कॉस्ट स्लोप, और यहां आपको फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला किस हिसाब से देंगे, ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस, नीचे टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होगा वो इस तरह से देखना है कि जो ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस होगा तो कॉस्ट में सबसे बड़ा कॉस्ट कौन सा होगा, नॉर्मल कॉस्ट ज्यादा होगी, क्रैश कॉस्ट ज्यादा होगी, सर क्रैश करने के लिए कॉस्ट बढ़ेगी तो क्रैश कॉस्ट ज्यादा होगी, तो क्रैश कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट डिफरेंस, और नॉर्मल टाइम बड़ा होगा, क्रैश टाइम छोटा होगा, तो टाइम नॉर्मल वाला उसमें से माइनस कर देना टाइम क्रैश वाला, और इस तरीके से आपका ये बन गया फॉर्मूला। समझ में आया दोस्त, बस आपको अगर आपको ये निकालना है कि मैंने एक दिन में कितने का एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट स्लोप, एक दिन में आपने कितने का कॉस्ट इंकर्ड करा उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट स्लोप, और एक दिन का बताता है कि पर डे आपने कॉस्ट स्लोप पर डे बताता है, क्या बताता है, पर डे का बताता है कि एक दिन में आपने कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करा क्रैशिंग करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए टाइम को, तो वो हमें बताता है सर ये, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम। तो भैया एक्टिविटी बताइए जरा जल्दी से, क्या क्या है एक्टिविटी आपके पास, ठीक है। तो एक्टिविटी अगर हम देखें तो 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, तो 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 6, 7, ठीक है जी। नॉर्मल कॉस्ट बता देंगे, यहां पर दे रखा है 5, 5, 9, 12, 6, 0, 8, 5, 5, 9, 12, 6, 5, 5, 9, 12, 6, 0, 8, 6, 0, 8, 6, नॉर्मल सिट यार। अच्छा इसको टाइम लिख लो यार, आप टाइम आगे लिख लो, कॉस्ट पीछे लिख लो, तो ये हो गया नॉर्मल टाइम जो कि मुझे आर्ट्स में दे रखा है, ये हो गया नॉर्मल कॉस्ट जो कि मुझे रुपीज में दे रखा है, ये हो गया क्रैश टाइम जो कि आर्ट्स में है, और ये हो गया क्रैश कॉस्ट जो कि रुपीज में है, ठीक है। ये नॉर्मल कॉस्ट बता दो, 230, 320, 620, 230, 320, 620, 230, 320, 620, 150, 0, 220, 300, 150, 0, 220 और 300, ठीक है सर। क्रैश टाइम है 4, 5, 7, 10, 5, 0, 4, 5, 7, 10, 5, 0, 6 और 5, 6 और 5, क्रैश कॉस्ट आपको दे रखी है 330, 480, 710, 330, 480, 710, 200, 0, 310, 370, 200, 0, 310, 370, और इस तरीके से आपका निकल गया। अब यहां पर आप किस तरीके से निकालेंगे, देखो एक मैं आपको स्टार लगाकर बताता हूं, इस तरीके से नहीं, बस स्टार लगाकर एक ही बताना, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, स्टार लगाकर एक बता देंगे, कैसे मतलब कि कॉस्ट स्लोप निकालने के लिए आपको चाहिए डिफरेंस ऑफ, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, तो कई क्रैश कॉस्ट 300 माइनस 200, क्रैश कॉस्ट ज्यादा होती है, उसके बाद 200 माइनस करेंगे, 300 में से 200 गए, और टाइम नॉर्मल टाइम लग रहा है 5 घंटे और क्रैश टाइम लग रहा है 4, तो 5 माइनस 4, समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट अपॉन में टाइम, जो बड़ा होगा वो आगे छोटा होगा पीछे, बस ऐसी टाइम में भी, तो कितना आ जाएगा सर ये 100 अपॉन में 1,
तो 1 घंटा इंक्रीज करने पे आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए खर्च करने पड़े, यह मतलब है इसका। 1 घंटा रिड्यूस हुआ नॉर्मल से, क्रैश में 1 घंटा रिड्यूस करने से, नॉर्मल 5 घंटे थे, 1 घंटा कम करने से मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट 100 रुपए की बियर करनी पड़ गई। तो 100 रुपीज, इसका 100 रुपीज की एक्स्ट्रा आपके पास कॉस्ट आ गया, तो ये आ गया 100। ठीक है सर, सेम एजेटी आप कैसे निकालेंगे जब ध्यान देना, 30 क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा 0, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा नीचे 0, तो आपके आंसर क्या आएगा, इसमें कोई भी क्रैश कॉस्ट नहीं हुई। जब टाइम ही रिड्यूस नहीं हुआ तो क्रैश कॉस्ट किस बात की, 480 में से 320 जाएंगे पहले बताओ, 480 में से 320 गए, हाँ 320, 160 बचे ऊपर, ऐसी 7, 9 में 7 गए कितना हो जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा ये आ जाएगा 80 रुपए की कॉस्ट। आ रहा समझ में, कैसे निकालना है, 710 में से 620 माइनस करो, 710 में से 620 माइनस करा ये आ गया 90, और ऐसी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 90 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 45। फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं आपको, आपको बस ये सोचना है कॉस्ट अपॉन में टाइम होता है, कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस रहता है, बड़ा वाला आगे होगा और छोटा वाला पीछे माइनस करेंगे, पॉजिटिव आंसर लाना है। 200 माइनस 200 तो आया 50, और रिड्यूस कितना हुआ है 1, 6 में से 5 का 1, तो 50 ही आया इसका आंसर, 50 अपॉन में 1, ये तो आया पूरा 0, ये तो डमी है, इस पर तो ना खर्च होगा कुछ भी। 310 में से 220 माइनस करेंगे, 310 में से 220 माइनस करेंगे आया 90, और कितना रिड्यूस करा 2 घंटे रिड्यूस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 45 आ गया पर घंटे का, यह आ गया पर डे नहीं है अभी, अब ये पर आवर्स है, ये क्या है दोस्त, पर आवर, क्योंकि हमें जो नॉर्मल टाइम दे रखा है वो पर आवर्स का दे रखा है, तो जो कॉस्ट स्लोप लिखा है वो भी पर आवर में लिख लेगा कि 1 घंटा रिड्यूस करने में 545 रुपए की कॉस्ट आएगी एक्टिविटी में, और 2 घंटे रिड्यूस करोगे तो मल्टीप्लाई बाय डबल, 1 घंटे के बता रहा है ये पर आवर्स का, ये सारी कॉस्ट पर आवर की है। एक्टिविटी देखना 5 से 6 में देखा जाए तो एक्टिविटी 2 घंटे रिड्यूस हुई है, नॉर्मल टाइम से 6 घंटे लगाया तो 2 घंटे रिड्यूस हुई, 1 घंटे के 45 तो 2 घंटे के 90, कैसे निकाला, बड़ा सिंपल है। आपने क्या करा यार, ये फॉर्मूला कैसे बना है, फॉर्मूला सिंपल तरीके से तो बना, आप खुद ही सोचो यार, आपने नॉर्मल कॉस्ट जो आपकी थी भाई, अगर आप 8 घंटे में 220 रुपए खर्च करके, 220 रुपए खर्च करके 8 घंटे काम होगा, और आपने ज्यादा पैसा खर्च करा और कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, तो मुझे बताओ आपने एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाया, तो इसमें से इसको माइनस करा 310 में से 220 को, एक्स्ट्रा निकालने के लिए आपको क्या करा, 310 में से 220 को माइनस करा, 220 ही रहने दो, यहां 8 रहने दो, सुनो ध्यान से, फॉर्मूला बड़ा आसानी से बना है, ये फॉर्मूला कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, देखो 220 रुपए खर्च करने पर 8 घंटे में काम होगा और 310 रुपए खर्च करने में 6 घंटे में काम हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ यहां पर आंसर कैसे निकालेंगे, 310 में से जब मैं 220 माइनस करूंगा, 310 में से जब मैं 220 माइनस करूंगा तब मेरा आ जाएगा एक्स्ट्रा, कि कितना एक्स्ट्रा खर्च कराया आपने, और यहां पर 8 में से 6 माइनस करूंगा तब आएगा, तो यहां पर मेरा आया देखो 310 जो है मेरा कॉस्ट है, और ये नॉन, ये 220 है जो मेरा वो नॉर्मल कॉस्ट है, ये क्या है मेरा 8, ये नॉर्मल टाइम है, और ये मेरा क्या है क्रैश टाइम है। देखो ऐसा करा ना, बड़ा सिंपल है भाई, 220 खर्च करके 8 घंटे काम होगा और 310 करके जल्दी काम हो जाएगा 6 घंटे में, तो मैंने कहा बताओ डिफरेंस निकालो, 310 में से 220 गया कितना बचेगा, 310 में से 220 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, मुझे क्या पता, 310 में से 220 जाएंगे 90 बचेगा, तो 90 रुपए की कॉस्ट आई, और 90 रुपए की कॉस्ट है कितने घंटे रिड्यूस करे, 2 घंटे रिड्यूस करे, तो मैं चाहता हूं पर आवर्स का निकालना, तो क्या करूं, इस 2 को उठाकर नीचे भेज दूं, जब मैंने 2 को उठाकर नीचे भेजा तो यहां पर 2 आ गया और यहां पर आया पर आवर, तो कितना आ गया 45। अगर आप ध्यान दो ये 45 कैसे निकाला मैंने, ये 45 ऐसे ये फॉर्मूला लगाकर, और फॉर्मूला कैसे बना, बड़ा सिंपल है, ये 45 निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने 90 अपॉन में 2 करा, अच्छा 90 कैसा आया था, ऐसे आया था, और 2 कैसा आया था, ऐसे आया था, तो अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख सकता हूं, 310 माइनस 220 अपॉन में 8 माइनस 6, तभी तो बात 1 घंटे की आएगी है ना, और 320 क्या है मेरा, ये मेरा है आपके पास क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में, जो नीचे वाला 8 क्या है, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले बनाने में क्या था, सिंपल ही तो था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं बन सकता, बन गया, सिंपल था, हम तो 1 घंटे का निकालना चाहते हैं, बता दो भाई, डिफरेंस करके निकाल दिया हमने, ये आपका एक तरीका बन गया, ये आपको जो दे रखा है दोस्तों इसका भी निकाल लेते हैं, लास्ट वाला खत्म करते हैं, 370 माइनस 300 और ये 1 घंटा ही रिड्यूस हुआ तो 70 आया यहां पर, इसका मतलब है
कि अगर आप एक घंटा इन इनका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, एक घंटा रिड्यूस करने से हर एक एक्टिविटी में अलग अलग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर एक्टिविटी वन से टू में एक घंटा रिड्यूस करोगे तो 100 रुपये कॉस्ट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी आपको। एक्टिविटी टू से फाइव में एक घंटा रिड्यूस करोगे तो 45 रुपये कॉस्ट लगेगा। आप जितना घंटा आप रिड्यूस करो उतने के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। यह आ गया कॉस्ट लॉ पर आवर्स। और डे में दे रहा हुआ तो डे आ जाएगा, मंथ में दे रखा हो तो मंथ आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना बात। तो कॉस्ट लॉ निकालना हमारा सेकेंड पॉइंट रहता है। अब इसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। तो अगला हमारा जो स्टेप रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि यहां पर जब आपने ये टाइम रखा तो ये जो 5 5 6 12 9 8 6 था, ये था आपका नॉर्मल टाइम। क्या था? नॉर्मल टाइम। अब आप ना इसी के ब्रैकेट में जहां ये है इसके ब्रैकेट में लिखोगे क्रैश टाइम हर एक एक्टिविटी का। और हर एक्टिविटी का क्रैश टाइम दे रखा है, देखो 1 से 2 एक्टिविटी का क्रैश टाइम है 4 4। ठीक है, और जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले आप ये टेबल बना लीजिएगा, फिर ये बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्रैश टाइम है। अब अभी क्या करना है मुझे, सभी एक्टिविटी के क्रैश टाइम को लिखना है। ठीक है, तो 2 से 3 का क्रैश टाइम है 5, 2 से 4 का क्रैश टाइम है 7, 2 से 3 का 5 है और 2 से 4 का है 7। और इसको ब्रैकेट में लिखना, इसको ब्रैकेट में ही लिखना। 2 से 5 का 10 है, 2 से 5 का 10 है, 3 से 5 का क्या है 5 और 0, 3 से ये तो 0 ही है, 3 से 5 का 5 हो गया, और 5 से 6 का 6 और 6 से 7 का 5, 5 से 6 का 6 और 6 से 7 का 5। अब जो मैंने जो रेड पेन से लिखा हुआ उसका मतलब है कि ये वाली एक्टिविटी नॉर्मल तो 5 आवर्स में कंप्लीट होगी, अगर मैं इसको क्रैशिंग करना चाहूँ, क्रैश करना चाहूँ तो ये मेरी 4 घंटे में हो जाएगी। एक्स्ट्रा पैसा लगाकर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ तो 4 घंटे में हो जाएगी। याली एक्टिविटी 12 घंटे में होगी पर एक्स्ट्रा पैसा लगाकर मैं इसको 10 घंटे में कर सकता हूँ। याली एक्टिविटी 8 घंटे में होगी, एक्स्ट्रा पैसा लगाकर मैं इसको 6 घंटे में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने सभी एक्टिविटी का निकाला कि अब देखो 2 से 3 वाली एक्टिविटी का क्रैश नहीं कर सकते क्योंकि 5 घंटे में नॉर्मल है, और क्रैश करने के बाद भी क्रैश हो ही नहीं पाएगा, तभी 5 घंटे दे रखा है वहां पर। जब आप ये निकाल लोगे दोस्तों तो इसमें जो आपके पास हो गया नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो ये आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आया। ठीक है, और यहीं पर आप बगल में क्या करोगे, इसको नीचे अलग से लिख लेना क्रिटिकल पाथ है ना, यहीं पर बगल में आप क्या निकालोगे, जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला आपने, नॉर्मल के हिसाब से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला, अब आप क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालो, मतलब क्रैश के हिसाब से। क्रैश के हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से, अगर क्रैश नॉर्मल के हिसाब से अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो 30 घंटे में होगा, क्रैश के हिसाब से कितने में होगा ये निकालो। आप ध्यान देना कैसे निकालेंगे। हमने कहा सर सिंपल है भाई, पहला पाथ देखो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, तो यहां से घुमाओ तो 4 और 5 5 और 5 10, ये हो गया 4 14 और 6 आपके पास हो गया, 5 और 5 10 हो गया, और ये 6 और 4 20 हो गया, और ये 25 हो गया, तो 25 आर्स लगेंगे। इस वाले को देखो 1 2 5 6 7, मतलब सीधी लाइन, तो 4 10 14 20 और ये भी 25, और इसको देखे 4 7, 4 प्लस 7 0 6 और +5 ये आ गया 22। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 25, 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्रैश टाइम, मतलब क्रिटिकल पाथ आपका कौन सा था, ये वाला था आपके पास क्रिटिकल पाथ, कौन सा था आपके पास, ये वाला क्रिटिकल पाथ था है ना, ये वाला था ना जिसमें मैक्सिमम आर्स आ रहा था। तो हम जो क्रैशिंग करते हैं मेनली क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज पे क्रैशिंग करते हैं, और अगर आप ध्यान देखो तो ये हमें बताता है ये दोनों का मतलब क्या आता है। अगर मैं इस पाथ को नॉर्मल कॉस्ट से करूं या नॉर्मली अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो ये पाथ जो मेरा 31 घंटे में हो सकता था, और अगर मैं इसको क्रैशिंग करना चाहूं तो मैं इसको 31 से 25 घंटे तक क्रैश कर सकता हूं, मिनिमम क्रैशिंग इतनी हो सकती है आपके पास। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ है, यह है लॉन्गेस्ट पाथ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कम से कम आपको 31 घंटे तो चाहिए, इस 31 घंटे को आप 25 घंटे तक कर सकते हो रिड्यूस, ये कहता है क्रैशिंग टाइम। ये 31 घंटे को आप
रिड्यूस कितना कर सकते हो, 25 घंटे तक रिड्यूस कर सकते हो, मतलब इसका जो हाईएस्ट है वो लेना है जो कि मेरा आया 35, और इसका हाईएस्ट लेना है जो कि मेरा आया 25। ध्यान सुन लो, ये नहीं कि जो इसके सामने है वो ही लेना है, क्योंकि मैंने सामने से लेगा क्योंकि ये इसी सब में से ये हाईएस्ट है इसलिए ले लिया। इन दोनों का जो हाईएस्ट होगा वो लिया जाएगा। एक तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हाईएस्ट लेना है, फिर जब क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल दोगे उसका हाईएस्ट लेना, उसका हाईएस्ट आया 25, तो मतलब है 31 आया था। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि आप जो पहले 31 घंटे लगाते थे नॉर्मल टाइम, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहो तो 25 घंटे में आप रिड्यूस कर सकते हो, क्रैशिंग करके 25 घंटे तक रिड्यूस करा जा सकता है। 25 घंटे रिड्यूस करने से क्या हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ये भी देखा जाएगा दोस्तों। जरूरी नहीं है क्रैशिंग करने से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि क्रैशिंग करने से कॉस्ट बढ़ती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैं नॉर्मल पीरियड से काम करता हूं तो मेरी कॉस्ट आई मान लो 2000 रुपए, और क्रैशिंग करने की वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ गई 2500 रुपए, तो क्या फायदा क्रैशिंग करने का, है ना, कोई फायदा भी है? तो मैं चाहूंगा ऐसी क्रैशिंग करूं जिसमें कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और इतना इफेक्ट भी ना पड़े, ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाए मुझे। किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप पहले जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला ना आपने, ऐसे आप क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालो, कि क्रैश टाइम को लेते हुए क्रैश टाइम आप सेट करो हर एक एक्टिविटी का, उसको जोड़ो पाथ के हिसाब से, और जो आपका क्रिटिकल पाथ है तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम आया वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा, और क्रैश प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम होगा, मान लो ये 26 होता ना तो मैं 26 लिखता दोस्तों, फिर 25 लिखता भले इसके सामने क्यों ना हो, समझ में आ रहा है? हाईएस्ट लेना है दोनों का, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हाईएस्ट और क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हाईएस्ट, और ये दो हाईएस्ट हमें बताएंगे कि नॉर्मल को आप क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में इतना रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया? तो स्टेप नंबर हमारे पास क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3 रहेगा नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हाईएस्ट लेना और क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रैश करने के बाद जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आया उसका हाईएस्ट ले लेना। जब आप ये दोनों का हाईएस्ट लोगे तो मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इसका हाईएस्ट मेरे पे कितना आया था 31 घंटे और इसका हाईएस्ट कितना आया था 25 घंटे, है ना। अब इसका मतलब है कि आप इसको इतना रिड्यूस कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट टाइम को इतना रिड्यूस कर सकते हो, ये आपको आपका तीसरा स्टेप रहने वाला है, ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है, क्लियर है? मैं सभी कॉस्ट का टोटल कर दूंगा पहले, तो मैंने नॉर्मल कॉस्ट का टोटल करा, क्रैश कॉस्ट का टोटल करा, स्लोप का टोटल नहीं करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का टोटल कर देंगे, 200 + 320 + 620 + 650 + 150 + 220 + 300, ये आ गया 1840। तो नॉर्मली मेरी कितनी कॉस्ट लगती है टोटल 1800, और क्रैश करने के बाद 300। क्रैश का मत करो क्योंकि इसमें ओवरहेड कॉस्ट भी लगेगी, अभी इसका मत करो, सिर्फ नॉर्मल का टोटल करना। नॉर्मली मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर मैं क्रैश करता हूं तो मेरा ओवरहेड भी कॉस्ट लगी पर घंटे के हिसाब से, देखो ओवरहेड कॉस्ट भी तो लगी पर घंटे के हिसाब से, इसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। तो इतना प्रोसीजर समझ में आया आपको या नहीं आया? सर इतना प्रोसीजर समझ में आया, ठीक है। आज क्वेश्चन खत्म करना है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अगली क्लास में खत्म कराता हूं तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है, आज ही खत्म करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा काम रहेगा वो निकालना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या था, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सर नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था 31 घंटे, और जब जब एक घंटा आप काम करोगे तब तक आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी 50 रुपए की, ठीक है सर, चाहे आप क्रैशिंग में कर लो चाहे आप विदाउट क्रैशिंग कर लो। तो अभी मैं कह रहा हूं इफ क्रैशिंग इज नॉट डन, इफ क्रैशिंग इज नॉट डन, अगर मैं क्रैशिंग नहीं करूं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आने वाली है बिना क्रैशिंग करे, ठीक है। मेरा ध्यान में यह भी है कि मैं ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद जब एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, अभी बस जो जो हो रहा है वो करते जाओ, बस जैसा हो रहा है करते जाओ। जब मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद एक बार आप इसको घर पे ट्राई करना फिर दोबारा, और फिर अगली क्लास में मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे करती है क्रैशिंग। देखो एक बार में कभी भी कोई कंसर्न नहीं आता, मैं शुरू से बताते हुए आया हूं, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा। अभी जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे करते जाते हैं। अब अगर क्रैशिंग नहीं करता तो मेरा नॉर्मल ड्यूरेशन लगता है 31 घंटे, और मेरा जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो कितने लगेगी, टोटल कॉस्ट जो होगी वो मिलाकर होती है, टोटल नॉर्मल कॉस्ट कह रहा हूं, टोटल नॉर्मल कॉस्ट कैसे लगेगी, एक तो आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो
और प्लस ओवरहेड कॉस्ट, प्लस क्या होगी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी पर घंटे के हिसाब से है। नॉर्मल कॉस्ट मैंने अभी निकाला कि अगर मैं क्रैशिंग नहीं करता तो नॉर्मली मेरे 1840 रुपए लग जाएंगे, 1840 रुपए। ओवरहेड कॉस्ट कैसे लगेगी घंटे के हिसाब से, भाई कितने घंटे प्रोसेस चलेगा 31 घंटे और हर एक घंटे के कितने रुपए लगेंगे 50 रुपए। समझ में आया, ये तो दे रखा था। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है, ओवरहेड कॉस्ट तो लगेगी लगी दो, 31 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आ गया 1550, तो 1550 प्लस 1840 ये आ गया 3390। मतलब मेरी टोटल नॉर्मल कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की 3390 रुपए, जिसमें मैं जो मेरी नॉर्मल कॉस्ट है वो तो आएगी साथ में ओवरहेड कॉस्ट भी आएगी। नॉर्मल कॉस्ट को आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलाकर बनेगी टोटल कॉस्ट। तो नॉर्मल कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट मिला दिया तो 3390। इसका मतलब है, इसका हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो इधर साइड में, इस अमाउंट का मतलब है कि टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल कॉस्ट इतनी आएगी अगर मैं नॉर्मल टाइम से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता हूं तो। अगर मैं नॉर्मल टाइम से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं तो मेरी टोटल कॉस्ट 3390 रुपए आएगी, और अगर मैं क्रैशिंग करूं तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी वो करेंगे आप। क्लियर है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल नॉर्मल कॉस्ट। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर क्या रहेगा आपके पास, स्टेप नंबर 4 के अंदर रहेगा कैलकुलेट टोटल नॉर्मल कॉस्ट, जो कि आएगा आपके पास नॉर्मल कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, इससे बनेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा यहां समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब यहां पर हमारा जो स्टेप रहेगा वो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। क्या बनाएंगे दोस्त? स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। और दोस्तों क्रैशिंग हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटी में होती है और किसी एक्टिविटी में नहीं होती। सर इसका कोई लॉजिक वगैरह रीजन वीजन है? मैंने कहा हाँ इसका रीजन भी है। तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, और मैंने आपसे कहा एक वर्ड आप हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हैं, क्रैशिंग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी की होगी और किसी एक्टिविटी की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन ये है कि अगर आप किसी और एक्टिविटी की क्रैशिंग करते हो तब भी आपका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट टाइम है वो रिड्यूस नहीं होगा, तब भी आपका जो प्रोजेक्ट टाइम है वो रिड्यूस नहीं होगा। मान ले ये मेरी क्रैशिंग है, मैंने यहां रिड्यूस करा, मैंने यहां रिड्यूस कर दिया, यहां रिड्यूस और यहां रिड्यूस कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया। आप यहां नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, क्रैशिंग कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो जो मैक्सिमम होता है वही आता है। आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। तो मान लेते हैं आपने यहां पर 5 कर दी, आपने एक्चुअल में क्रैश करके यहां 5 कर दी, ठीक है, और आपने यहां पर 9 की जगह 7 कर दी, कर दिया आपने क्रैशिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर आपने क्रैशिंग, तो क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपने इसको 7 कर दी तो यहां जोड़ने के बाद देखना, यहां 5 + 7 + 0 = 6 और ये जो भी आएगा कम आएगा, और यहां पर जोड़ेंगे ये सबसे ज्यादा तब भी ये आएगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम क्रैशिंग के अलावा, क्रैशिंग जो होगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी के अलावा अगर हम किसी और एक्टिविटी में करते हैं तो, और फिर हम सभी पाथ का नॉर्मल ड्यूरेशन निकालते हैं, तो फिर भी लॉन्गेस्ट पास वही क्रिटिकल एक्टिविटी आने वाली है। इसलिए हमारा पर्पस रहता है कि जो क्रैशिंग करनी होती है वो क्रिटिकल एक्टिविटी में करो। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। पहले लॉन्गेस्ट पास को रिड्यूस कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली सभी पाथ रिड्यूस हो जाएंगे और उसके जो हाईएस्ट होगा वो हमारा बन जाएगा क्रिटिकल फिर द्वारा एक्टिविटी। नहीं आया समझ? क्लियर है? नहीं है? मैंने क्या कहा भाई, दिन का अगर मान लेते हैं ये 30 आवर कैसे निकला था, जब ब्लू वाले आवर ले रहे थे, मैंने कहा मान के चलो कि अब आपका ये नहीं है इसको भूल जाओ, अब आपका ये नहीं इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, अब दोबारा मैंने दो साइड रिड्यूस कर दी, मैंने ये और ये कर दी, अब जरा जिन्ना 5 + 5 = 10 और + 5 = 15, ये वाला लेना, अब ये मत लेना, रिड्यूस कर दिया ना, 15 + 8 कितना हो गया, 15 + 8 = 23 और + 6 ब्लू वाला लेना, एक ही मैंने रिड्यूस करा 29, तो मेरा है 29। ठीक है, पहले वाले पाथ को लेकर मेरा क्या है, अगर मैंने एक घंटा रिड्यूस करा इधर से तो मेरा क्या है इधर 29 आया। अब मैंने इधर से भी 2 घंटे रिड्यूस करे, इधर से 2 घंटे रिड्यूस करूंगा तो क्या आएगा 26 आएगा याला, पर इधर से कुछ नहीं करा, अब इधर से कुछ नहीं करा, अब आप फिर द्वारा क्रिटिकल एक्टिविटी निकालोगे तो क्या आएगा यही आएगा। तो आपका क्रैशिंग करने का कोई बेनिफिट हुआ? कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ अभी भी क्या है 31 आवर, तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन तो 31 आवर ही है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या माना जाता है? लॉन्गेस्ट आर्स को हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहेंगे दोस्तों। और अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करोगे और दूसरी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दोगे उससे आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कम नहीं होगा, प्रोजेक्ट का वैसे का वैसे रहेगा। आपने इधर 1 घंटा कम करा इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में 2 घंटे कम करा, क्या इन दोनों का कम होने से अभी भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन तो मैं यही लेकर चलूंगा ना जो हाईएस्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रैशिंग
जो करी जाती है वो क्रिटिकल एक्टिविटी में करी क्यों जाती है, तो आपको रीजन बताना कि अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटी के अलावा किसी और एक्टिविटी में अगर आप क्रैशिंग करते हो तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 31 का 31 ही रहेगा, और हमारे क्रैशिंग करने का पर्पस ये होता है कि हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करें। तो अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करना चाहते हो तो हाईएस्ट आवर है उस लाइन का रिड्यूस कर दो। अगर मैं इसको 10 कर देता 2 की जगह तो 2 घंटे यहां से कम हो जाता तो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो जाता। हिंदी में लिखना है, इसको लिखना, कहीं पर नोट देकर लिखना, कृपया करके लिखे कि क्रैशिंग हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटी में की जाएगी। लिखना, क्रैशिंग हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटी में की जाएगी, क्योंकि अगर हम क्रिटिकल एक्टिविटी में क्रैशिंग ना करके किसी और एक्टिविटी में क्रैशिंग करते हैं तो उसके क्रैशिंग का इफेक्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उतने का उतना ही रहता है। दोबारा रिपीट कर लेना, मैं नहीं बोल पाऊंगा, दोबारा पीछे करके देख कर लो, ठीक है? लिख दिया, तो ये आपको लिखना जरूरी है, कोई रीजन पूछे तो आपको जरूर बताना है उसके अंदर। इसके बाद यहां पर जो होते हैं क्रैशिंग का स्टेटमेंट बनाना होता है, उसमें क्या सकते हैं, सबसे पहले हमारा लिखना होता है पॉसिबल पाथ, हमारे पास थे क्या क्या, हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे पॉसिबल पाथ। अभी आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, 3 पॉसिबल पाथ थे हमारे पास, ठीक है? जरा करना कौन कौन सा था, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 और 7 पहला पॉसिबल पाथ ये रहा। दूसरा 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6 और 7 और अगला 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? ये हमारा पॉसिबल पाथ है। और इनमें कितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लगा था, सभी पाथ में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना था, वो भी नॉर्मल वाला लेना है, ठीक है? क्रैशिंग अभी करी नहीं है हमने, ये ऊपर क्रैशिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब ये था, इसका मतलब था कि कितने क्रैशिंग कर सकते हैं, कितना तक रिड्यूस करा जा सकता है। अभी 30, 31, 28 ये वाला लेना है आपको, ठीक है? नॉर्मल वाला है ये, 30, 31, 30, 31, 28। अब हम एक एक करके स्टेप वाइज रिड्यूस करेंगे। स्टेप नंबर 1 लेंगे और पहले स्टेप में रिड्यूस करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 लेंगे, फिर दूसरे स्टेप पर रिड्यूस करेंगे, फिर स्टेप नंबर 3 लेंगे, फिर तीसरे स्टेप पर रिड्यूस करेंगे, उस तरीके से स्टेप बाय रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देना कि एक्टिविटी कैसे क्रैश करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहां से चालू हुआ कि हम एक्टिविटी कैसे क्रैश करेंगे। देखो, पहली कंडीशन है एक्टिविटी क्रैश करने की कि जो क्रिटिकल पाथ है जिसमें 31 घंटे दे रखे है, ये इन दोनों से नीचे नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जो क्रिटिकल पाथ है जब आप इसको रिड्यूस करोगे, इसकी एक्टिविटी को 31 से 1 घंटा रिड्यूस करोगे तो 30 आ जाएगा, 31 से आप 2 घंटे रिड्यूस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 31 से मान लेते हैं मैं रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है, कैसे करना है वो बाद में सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको बाद में कैसे रिड्यूस करना है, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि क्रिटिकल पाथ जो है ये है, अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो आप इसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रिड्यूस कर सकते हो, पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा अभी के लिए सिर्फ पहले स्टेप में सिर्फ 1 घंटा ही रिड्यूस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिटिकल पाथ आप रिड्यूस करते हो तो अदर पाथ जो होते हैं उससे कम नहीं आने चाहिए। सर अगर कम आ गए तो मान लेते हैं यहां पर 30 लिखा और इसको आपने 2 घंटे के लिए रिड्यूस कर दिया 29 और यह आपके पास 28 ही रहा, इसको आपने 2 घंटे के लिए रिड्यूस कर दिया, कैसे करना है रिड्यूस बाद में सीखेंगे, वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्या ध्यान में रखते हुए रिड्यूस करना है। अगर आप इसको 2 घंटे के लिए रिड्यूस कर देते हो तो ये 29 हो गया, इसको आपने 28 रहने दिया, इसको रिड्यूस नहीं करा, उसको भी रिड्यूस नहीं करा, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं रिड्यूस कैसे करना है अभी भूल जाओ, अभी कैसे करना है मत देखो, अभी बस ये देखो कि कर दिया 31 से 29 कर दिया, 2 घंटे रिड्यूस कर दिया क्रिटिकल पाथ को। तो अब क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, तो वैसे मेरा क्रिटिकल पाथ ये था कि इन तीनों में से मैक्सिमम क्या था, ये था, अब मैक्सिमम क्या है मेरा हो गया इन दोनों में से स्टेप नंबर, अब ये हो गया, तो अब क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कंडीशन को ध्यान समझे, क्रिटिकल पाथ कभी भी इन दोनों पाथों से अल्टरनेटिव पाथ से क्रिटिकल पाथ दूसरे पाथ से रिड्यूस नहीं होना चाहिए, उनके बराबर तक हो चलेगा पर उनसे रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपने उनसे रिड्यूस कर दिया तो फिर क्रिटिकल पाथ वो क्रिटिकल पाथ नहीं रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, 29 ये तो कम है, 31 ज्यादा है, और क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन होता है, समझ में आ रहा है? अगर आपने क्रिटिकल पाथ को अदर पाथ से रिड्यूस करके उनके पास के आर से कम कर दिया तो अब वो पार्ट क्रिटिकल पार्ट नहीं रहा, अब दूसरा बन जाएगा फिर, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना होता।
तो पहली कंडीशन यह है रिड्यूस करने की, कभी भी आप किसी भी क्रिटिकल पाथ को किसी आवर पे रिड्यूस कर रहे हो तो उतना ही कर पाओगे जितना अदर पाथ को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो अगर ये 28-30 ना होकर ये कितना होता, मान लो ये 28 होता, तो मैं 4 दिन में रिड्यूस कर, 3 दिन तक रिड्यूस कर देता इकट्ठा एक साथ। पर अभी मैं कितना कर पाऊंगा, अभी मैं ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कितना कर पाऊंगा, 1 दिन रिड्यूस कर पाऊंगा। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा कितना रिड्यूस कर पाऊंगा, 1 दिन। तो पहले मान लो मैंने 1 दिन रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद अब 30 और ये आ गया 28, तो अब इन दोनों को साथ रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ, अगर आपने सिर्फ इसको रिड्यूस कर दिया, इसको मान दिया 29 और फिर दोबारा बढ़ा हो जाएगा ये, तो अब जब भी आप रिड्यूस करोगे तो दोनों को साथ लेकर रिड्यूस करना पड़ेगा। मान लो आपने इसको 3 दिन रिड्यूस करा तो इसको भी फिर 3, ऐसा ढूंढो इसको तीन, दोनों को 3-3 दिन रिड्यूस करना पड़े और 2-2 दिन, तो 28 और 28 और 28। और जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करना है, जब क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करोगे तो अकेला इसको नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों को साथ में लेकर करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपने इसको अकेला कर दिया तो फिर ये दोनों क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे। क्रिटिकल पाथ वो होता है जो मैक्सिमम होता है। तो जब भी आपका फोकस रिड्यूस करना क्रिटिकल पाथ को रहेगा, पर यह भी ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल पाथ अदर पाथ से रिड्यूस ना हो जाए, उससे कम आवर नहीं आए, उसके बराबर आए चलेगा पर कम नहीं आने चाहिए। समझ आया? तो अब देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस कैसे करा जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये जो एक मैंने घटाया कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, कौन सा एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। अब इसको समझते हैं कि क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर 1। सबसे पहले मैं कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करूं, सबसे पहले देखें, वो दिमाग लगाना आपको, ध्यान देना। तो स्टेप 1 में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट क्रैशिंग। क्या कहते हैं? पहली बार क्रैश कर रहा हूं, फर्स्ट क्रैशिंग। तो स्टेप 1 में हम लिखते हैं फर्स्ट क्रैशिंग, और फर्स्ट क्रैशिंग लिखते टाइम सबसे पहले हमें यहां लिखना है, सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है यहां पर। ये मेरा तरीका है दोस्तों करने का, बाकी किसी का तरीका क्या हो मुझे नहीं पता, मेरा तरीका बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये आपके पास हो गया क्रिटिकल पाथ, CP4 क्रिटिकल पाथ। ठीक है सर, यहां पर लिख दो क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या है बताना आपके पास, सबसे पहले क्रिटिकल पाथ बताओ कौन सा वाला था, ये वाला था क्रिटिकल पाथ। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये आपके पास क्रिटिकल पाथ था। अगर मैं जानना चाहूं कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, तो आप क्रिटिकल एक्टिविटी बता सकते हो CA4 क्रिटिकल एक्टिविटी, लिख लेना कहीं पर, मैं अभी बता रहा हूं, बाद में जब फ्यूचर में आप करोगे तो भूल जाओगे, लिख लो कहीं पर कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी, ये क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, 1 से 2 एक क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, और 2 से 5 एक क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, 5 से 6 एक क्रिटिकल एक्टिविटी, 1 से 2 फिर एक, फिर 2 से 5 दूसरी, 5 से 6 तीसरी, और 6 से 7 चौथी, मतलब 4 क्रिटिकल एक्टिविटी मिलाकर सीक्वेंस में क्रिटिकल पाथ बनता है। देख लो आप ऊपर देखते हैं डायग्राम में, 1 से 2 फिर 2 से 5, 5 से 6 और फिर 6 से 7। अच्छा, अब किस एक्टिविटी को क्रैश करूं, पहली में कौन सी एक्टिविटी को रिड्यूस करूं, वो देखना है। तो जब आप वो देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कॉस्ट स्लोप। तो आपको क्या देखना होगा, कॉस्ट स्लोप देखनी होगी। एक स्टेटमेंट से बना दी मैंने, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं भाई, कॉस्ट स्लोप ध्यान देना। कॉस्ट स्लोप क्या देखेंगे कि भाई अगर मैं 1 से 2 एक्टिविटी को रिड्यूस करूं, 1 से 2 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करूं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी मेरी। 1 से 2 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करने पर 1 घंटा रिड्यूस करोगे तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है, और 2 से 5 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट आएगी, 2 से 5 कहां है ये, 2 से 5 में 45 रुपए की आएगी। 5 से 6 वाली में कितनी की आएगी, 5 से 6 वाली में 45 की और 6 से 7 वाले में 70 की, 5 से 6 वाली में 45 की और 6 से 7 वाले में 70 की। हां मुझे बताओ, अगर मैं एक्टिविटी 1 से 2 को 1 घंटा कम करूं, एक्टिविटी 1 से 2 को 1 घंटा अगर मैं कम करूं, तो ये कॉस्ट स्लोप पर आवर्स है, पर आवर। अगर मैं 102 वाली एक्टिविटी को 1 घंटा कम करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा 100 रुपए जाएंगे मेरी जेब से, और अगर मैं 2 से 5 वाली को 1 घंटा कम करूं तो मेरी जेब से 45 रुपए जाएंगे, और अगर मैं 5 से 6 को कम करूं 1 घंटा तो मेरी जेब से 45 जाएंगे, और अगर मैं 6 से 7 को 1 घंटा कम करूं तो मेरी जेब से 70 रुपए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं किस एक्टिविटी को कम करूं, मैं उस एक्टिविटी को रिड्यूस करूंगा सबसे पहले जिसमें कम कॉस्ट आती है पर आवर की, कम कॉस्ट लगती है, कम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। यहां लिख देता हूं हिंदी में, क्या आपको याद रहेगा, हम उस एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे सबसे पहले, हम उस एक्टिविटी को
सबसे पहले रिड्यूस करेंगे जिसमें कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा। क्यों भाई? मैं चाहता हूं ना मेरी कॉस्ट कम से कम आए। कॉस्ट स्लोप कम होने का मतलब क्या है? कॉस्ट स्लोप मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट स्लोप कम होने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट सबसे कम होगा। तो अगर मैं एक्टिविटी वन से टू को रिड्यूस करूं तो मेरी जेब से 100 रुपए जाएंगे। मैं क्यों करूं भाई? मैं खुद 2 से 5 वाली या 5 से 6 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करता हूं, मेरी जेब से 45 जा रहे। 1 घंटा रिड्यूस भी हो गया और जेब से सिर्फ 45 गए। और अगर मैं 102 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करता हूं तो 1 घंटा वहां भी रिड्यूस होगा पर जेब से 100 रुपए जाएंगे। तो मैं कौन सी वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करूं? 2 से 5 वाली एक्टिविटी। यस, एक्टिविटी 2 से 5 हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम कॉस्ट है। पर कितने घंटे से रिड्यूस करें? मेरी 2 से 5 वाली एक्टिविटी में रिड्यूस करूंगा, ये समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कम कॉस्ट इसमें है। अगर मैं 5 से 6 कर लूं या 2 से 5 कर लूं, पर अगर मैं 2 से 5 ले रहा हूं, 5 से 6 नहीं ले रहा, तो उसमें 5 से 6 में देखते हैं। अगर मैं 5 से 6 रिड्यूस करूं तो मेरी ये 7 में 2 भी रिड्यूस हो जाएगी। पर अभी मैं क्या करता हूं, पहले 31 को 30 के बराबर ले आता हूं, है ना, फिर देखूंगा दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा। तो 2 से 5 एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी में भी नहीं है। 2 से 5 एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी में भी नहीं है। अगर मैं 5 से 6 को रिड्यूस करूं तो तीनों रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो भी गलत नहीं है। वो भी गलत नहीं है दोस्तों, तीनों एक साथ रिड्यूस करते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं। पर मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं इस 31 को 30 के बराबर ले आऊं, और जैसे ही मैं 30 के बराबर ले आऊंगा इनको साथ साथ रिड्यूस करते चले जाऊंगा। फिर पहले आपके पास क्या करा, आप या तो 2 से 5 कर लो या 5 से 6 कर लो। फर्स्ट क्रैशिंग के अंदर ये बात ध्यान रखो कि उस एक्टिविटी को क्रैश करो जिसमें सबसे कम, जिसमें जो अल्टरनेटिव क्रैशिंग में नहीं आ रहा हो। 2 से 5 एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो दूसरे वाले में नहीं आ रही। देखो 2 से 5 सिर्फ यही है और बाकी किसी में नहीं है। और मैं इसको कितने घंटे तक रिड्यूस कर सकता हूं, सुनो ध्यान देना। नेटवर्किंग डायग्राम में चलेंगे और 2 से 5 वाली एक्टिविटी देखेंगे। तो ये एक्टिविटी यहां से यहां तक 2 से 5 है, नॉर्मल टाइम इसका 12 घंटे का है। मतलब ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। पर अगर मैं क्रैश करूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक क्रैश कर सकता हूं, मतलब 2 घंटे की ही क्रैश कर पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्रैशिंग इस एक्टिविटी में सिर्फ 2 घंटे की हो पाएगी। तो अगर मैं 2 घंटे से क्रैश कर दूं, अगर मैं इस एक्टिविटी को, पहले आप ये समझिए कि ये एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही क्रैश हो पाएगी। 12 नॉर्मल था, 10 तक ही हो पाएगा, मतलब 2 घंटे ही क्रैश कर पाओगे। पर इस क्रैश में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे कर सकता हूं, पर करूं कितना ये हमें कौन बताएगा? ये हमें ये स्टेटमेंट बताएगी कि अगर आपने इस एक्टिविटी को, 2 से 5 वाली एक्टिविटी को आपने 2 घंटे, क्योंकि कर सकते हैं हम 2 घंटे क्रैश, अगर आपने 2 घंटे क्रैश कर दिया तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 30। तो ये गलत हो जाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटी कभी भी अदर पास से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो फिर क्रिटिकल एक्टिविटी वो नहीं रहेगी, क्रिटिकल कोई और बन जाएगी। और क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है या किसी के बराबर होती है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको नहीं करोगे तो मैं 2 से 5 वाली एक्टिविटी 2 घंटे तक रिड्यूस कर सकता था। ये मेरे पे था, मेरे हाथ में था 2 घंटे रेड। पर जैसी मैंने स्टेटमेंट देखी, पर मैं कह सकता हूं भाई इससे ज्यादा 30 से कम तो आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं 30 तक ला सकता हूं 31 को, क्योंकि उससे कम नहीं ला सकता। तो 1 घंटा ही रिड्यूस कर पाओगे। तो पहले आप देखो कितना कर सकते हैं और फिर देखो कितना तक आप कर पाओगे। वैसे मैं 2 घंटे तक रिड्यूस कर सकता हूं, पर अगर मैं 2 घंटे तक कर दूं तो फिर गलत हो जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर इधर आप ध्यान दो तो 31 से आप सिर्फ 30 तक ही ला सकते हो, ठीक है? 1 घंटा ही रिड्यूस कर पाओगे, तो बाय 1 आवर। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना घंटा रिड्यूस कर पाओगे? सिर्फ 1 घंटा ही रिड्यूस कर पाओगे। जब आप 1 घंटा रिड्यूस करोगे तो आपकी भी टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी? तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल कॉस्ट क्या थी आपकी, प्लस नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट, माइनस ओवरहेड कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझाइए, मैं ना समझाता हूं। देखो दोस्तों, मेरे पे 31 घंटे थे, मेरे पे कितने घंटे थे? 31 घंटे थे, और 31 घंटे मेरे पे टोटल नॉर्मल कॉस्ट थी। जब मैंने ऊपर नॉर्मल कॉस्ट निकाली, ऊपर देखो नॉर्मल कॉस्ट थी मेरी, टोटल नॉर्मल कॉस्ट आई 3390। अब सुनो, ये 3390 में ये कैसा आया? ये तो वो एक नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल टाइम पे करके नॉर्मल कॉस्ट निकाली वो, और साथ में जितना घंटे आप प्रोजेक्ट करते हो उतना घंटे 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपका ओवरहेड कॉस्ट लगती है। दोनों को जोड़ने के बाद नॉर्मल कॉस्ट आई टोटल वो भी। तो मैंने कहा देखो 3390 मेरी कॉस्ट है, 3390 मेरी नॉर्मल कॉस्ट है। अब इस नॉर्मल कॉस्ट में 31 घंटे के हिसाब से ओवरहेड जुड़ा हुआ है, जबकि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट को 1 घंटे से रिड्यूस कर दूं, मेरा 31 घंटे का प्रोजेक्ट है, मैंने अब क्या करा, क्रैशिंग लगाकर 1 घंटा उसको रिड्यूस कर दिया। जब मैं किसी प्रोजेक्ट को 1 घंटे से रिड्यूस कर दूंगा
तो मेरी क्रैशिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कितने से बढ़ेगी बताओ, एक घंटा आपने रिड्यूस करा और हर एक घंटे पे 45 रुपए की कॉस्ट लगेगी। यही तो मतलब था इसका, कि अगर आप 2 से 5 वाली एक्टिविटी को एक घंटा रिड्यूस करते हो तो आपके 45 रुपए खर्च होंगे हर घंटे पे। ठीक है, मैंने एक घंटा रिड्यूस करा तो कॉस्ट बढ़ गई 45 रुपए से क्रैश कॉस्ट। पर दोस्तों इस नॉर्मल कॉस्ट के अंदर 31 घंटे के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट है, और अगर मैं एक घंटा रिड्यूस कर दूं तो इधर 31 के नहीं 30 के हिसाब से होनी चाहिए थी ना ओवरहेड कॉस्ट, तो 31 के हिसाब से ऐड हो रखी है। तो क्या करूं, माइनस कर देता हूं ओवरहेड को एक घंटे के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से 50 रुपए लगते हैं एक घंटे के हिसाब से, तो उसको माइनस करा। माइनस करने का रीजन समझो, नॉर्मल कॉस्ट के अंदर ओवरहेड कॉस्ट जोड़ रखी है वो भी 31 घंटे की, और अगर मैं क्रैशिंग करके एक घंटा कम कर देता हूं तो टोटल कॉस्ट में से 30 घंटे की ओवरहेड जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक घंटा तो कम कर दिया। टोटल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके पास 30 घंटे का आपके पास क्या रहना चाहिए, ओवरहेड कॉस्ट रहनी चाहिए। आपने इसमें 31 के हिसाब से जोड़ रखी है तो क्या करना चाहिए आपको, एक घंटे का हटा देना चाहिए। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, जोड़ना जरा 3390 प्लस 45 और माइनस 50, यह आ गया 3385। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यह है कि टोटल कॉस्ट निकालो। इसमें क्या करो, पहले नॉर्मल कॉस्ट लिखो। अच्छा, ये जो नॉर्मल कॉस्ट है इसमें ओवरहेड जुड़ा हुआ है, इसको मैं टोटल नॉर्मल कॉस्ट कह देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये जो नॉर्मल कॉस्ट है वो जो नॉर्मल का टोटल करा था मैंने, इसमें आप जोड़ो क्रैश कॉस्ट और माइनस कर, नॉर्मल कॉस्ट हर बार जुड़ेगी, और प्लस कर दो ओवरहेड कॉस्ट। कैसे सर, बताइए दोबारा, प्लस एक बार माइनस का तरीका है सर, तरीका तरीका यह है कि अब मैं जो नॉर्मल कॉस्ट ले रहा हूं, मैं याली नहीं ले रहा, अब याली ले रहा हूं, तो 1840 जब मैंने नॉर्मल कॉस्ट ली तो नॉर्मल है, एक तो ये कॉस्ट ऐड होगी प्लस क्रैश कॉस्ट ऐड होगी, एक घंटे से रिड्यूस करने में 45 रुपए खर्च होंगे और प्लस ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट इसमें ऐड थोड़ी ना करूंगा, और कितने घंटे काम करोगे, एक घंटा रिड्यूस करने से 30 घंटे आप काम करोगे। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी रहेगी, एक घंटा तो रिड्यूस करा है, 31 घंटे का था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक घंटा रिड्यूस कर दिया तो 30 घंटे है ना, यहाँ 30 घंटे के हिसाब से आप लगा लो, ऐसा कर लो। अगर आपने यहाँ 31 घंटे के हिसाब से ऐड करा है तो 1 घंटे के हिसाब से माइनस कर दो, अगर कुछ भी ऐड नहीं करा तो 30 घंटे हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट आएगी, उसको ऐड कर दो, दोनों से सेम आंसर निकलेगा। तरीका आपके पास है, कोई सा भी यूज कर लो। 1830 × 30 × 50 प्लस 45 और 1840 या आ गया 3385, और दोनों में बराबर आएगा। दोस्तों देखो, करने का तरीका अलग हुआ ना, ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल कॉस्ट में ओवरहेड जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ है और अगर एक्स्ट्रा जुड़ गया क्रैशिंग करने के बाद, एक्स्ट्रा ही हो गया वो, तो माइनस कर दो, और अगर नहीं जुड़ा तो ऐड कर दो। दो दो तरीका आप फॉलो कर सकते हो कोई भी। तो हमने सबसे पहले क्या करा दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेप था वो था कि हमने क्रैशिंग करी, और क्रैशिंग करने में 2 से 5 में क्रैशिंग करी एक घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से करता तो गलत हो जाता। तो ये 31 से 1 घंटे हिसाब से करा, क्या आया 30, और ये कह रहा इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इन दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से 5 ना तो इसमें पात था और ना 2 से 5 इधर था, तो सिर्फ यही था, तो एक घंटा इसमें कम करा तो ये हो गया। अब 30 30, अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको दो क्रिटिकल पात और दूसरा पात मिल जाता है, तो अब मैं इन दोनों को साथ में रिड्यूस करूंगा। अलग अलग रिड्यूस कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने इसको सिर्फ अलग रिड्यूस करा तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको रिड्यूस करने से ये 30 ही रहेगा और ये 29 हो जाएगा या 28, तो 29 30 से कम हो जाएगा, कम नहीं करना। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो साथ में इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 29 करोगे तो इसको भी 29 भी करो या 28 करो, पर करो जरूर इसको, क्योंकि उससे कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन एक ही है कि क्रिटिकल पाथ कभी भी अदर पाथ से कम नहीं होना चाहिए। क्रैशिंग ऐसे करो जो क्रिटिकल पाथ अदर पाथ से कम ना हो, उनके बराबर हो, चलेगा। तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर बराबर आ जाते हैं, तो इन दोनों सिचुएशन में हम ऐसा पाथ को रिड्यूस करते हैं जिस पाथ में ये दोनों आइटम ऐड हो रखे हो, आ रखा हो। मतलब अब मैं रिड्यूस करूंगा 30 को भी, मेरा पर्पस तो 30 को रिड्यूस करना है, मेरा पर्पस क्या है, क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करना, पर अब मेरा पर्पस क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करना है, साथ में इसको भी करना है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ इससे कम ना हो जाए। क्लियर है या नहीं है? तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जब मैं रिड्यूस करूंगा, क्रैशिंग लगाऊंगा, उसको बोलूंगा सेकंड क्रैशिंग। स्टेप नंबर 2 को मैं नाम दूंगा सेकंड क्रैशिंग। स्टेप नंबर 2 को नाम देंगे सेकंड क्रैशिंग। अब करेंगे कैसे? अब दोस्तों इसमें अभी एक घंटा बचा हुआ है, इसकी क्रैशिंग में अभी एक घंटा बचा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ढूंढो, पहले तो आप देखो क्रिटिकल पार्ट, देखो एक्टिविटी, देखो दोनों पार्ट की, इस पार्ट की एक्टिविटी कितनी है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 7,
वन से टू, देखो वन से टू और वन से टू दो को कॉमन आ रहा है, फाइव से सिक्स और फाइव से सिक्स क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, और सिक्स सेवन भी कॉमन आ रहा है, तो तीन एक्टिविटी ऐसी है जो कॉमन आ रही है। अगर मैं इन तीनों में एक से रिड्यूस करूं तो दोनों रिड्यूस हो जाएगी, है ना, वन से टू, फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन। तो कॉमन वाली एक्टिविटी देखो, पहले यहां लिखो कॉमन एक्टिविटी कौन कौन सी है दोनों में, उन दोनों में कॉमन एक्टिविटी कौन सी है सेकंड क्रैशिंग में, और फिर देखो अदर एक्टिविटीज। कॉमन एक्टिविटी देखो, अदर मत देखो, कॉमन एक्टिविटी बताओ कौन कौन सी है दोनों में, जो दोनों में कॉमन है, कौन से, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो कॉमन एक्टिविटी मेरे को दिख रही है एक तो वन से टू, ठीक है, एक आपको दिख रही है पांच से छह और छह से सात। कॉमन कौन सी है दोनों में, पांच से छह और छह से सात। कॉमन क्यों कर रहा हूं, क्यों, अगर मैं पांच से छह रिड्यूस कर दूंगा तो साथ में ये भी और ये दोनों एक साथ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रही थी कंडीशन। तो कॉमन इन दोनों में यह है कि वन से टू, फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन, तो तीन कॉमन है वन से टू, फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन। तो अगर मैं इसको बात करूं कॉस्ट स्लोप की, वो कितना आ रहा है, वन से टू वाली एक्टिविटी में कॉस्ट कितनी है, वन से टू वाली में सौ है, फाइव सिक्स वाली में पैंतालीस और सिक्स सेवन वाली में सत्तर। वन से टू वाली में सौ, पैंतालीस और सत्तर। तो इसमें इन तीनों में कम कॉस्ट कौन सी है, इन तीनों में जो कब से कम है वो याली है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, इस एक्टिविटी को क्या कर देंगे, क्रैशिंग एक्टिविटी हमारी क्या बन जाएगी ये, क्योंकि जो इन समय से कम होगी। सेकंड क्रैशिंग करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई बराबर आ रहा है तो दोनों को एक साथ रिड्यूस करना है। एक साथ रिड्यूस करने के लिए ये देखो कि दोनों पाथ के अंदर जो कॉमन एक्टिविटी वो क्या है, कॉमन एक्टिविटी लिख दो, लिखने के बाद उसकी कॉस्ट लिख दो, जो कॉस्ट सबसे लीस्ट होगा उस कॉस्ट की उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, क्रैशिंग करेंगे। तो एक्टिविटी क्रैश एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी, क्रैश एक्टिविटी फाइव से सिक्स, और कितने किससे रिड्यूस कर सकता हूं, अब इसको रिड्यूस कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, मैं कितना रिड्यूस करूंगा भाई, तीस है, तीस है, ज्यादा से ज्यादा आप दो घंटे रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि तीस से उनतीस, उनतीस से अट्ठाईस, अट्ठाईस से तीन घंटा कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अट्ठाईस से फिर कम हो जाएंगे तीनों के दोनों के दोनों। आया समझ में, कैसे करना है, तीस और तीस को आप सिर्फ दो घंटे तक ही रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि अगर अट्ठाईस से कम कर दिया तो फिर यह क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, सत्ताईस नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम कितना घंटे रिड्यूस कर सकते हो दो, पर ये देखो मैं दो घंटे रिड्यूस कर सकता हूं, मेरे पे पावर है कि मैं दो घंटे रिड्यूस कर दूं, पर क्या एक्चुअल में ये दो घंटे रिड्यूस हो भी पाएगा क्या इसकी उसमें है? तो नेटवर्क देखो फाइव से सिक्स वाला, जब आप फाइव से सिक्स वाला नेटवर्क देखते हो तो आठ घंटे नॉर्मल टाइम है और छह घंटे तक इसको रिड्यूस करा जा सकता है, मतलब दो घंटे रिड्यूस हो जाएगा, आठ घंटे का नॉर्मल टाइम है, आठ घंटे का नॉर्मल टाइम है और छह घंटे तक क्रैशिंग हो सकती है, मतलब छह घंटे पर तक क्रैशिंग हो सकती है, मतलब दो घंटे की क्रैशिंग हो सकती है इसमें, आठ से दो घंटे क्रैशिंग करके छह तक ला सकता हूं मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, मैं छह घंटे में भी खत्म कर सकता हूं क्रैशिंग करके, तो दो घंटे की यहां पर क्या हो जाएगी क्रैशिंग, और दो घंटे मुझे क्रैश करने हैं, तो समझ में आया। अगर मैं यहां पर दो घंटे इकट्ठा क्रैश कर दूं तो क्या मैं अट्ठाईस में पहुंच जाऊंगा, यस अट्ठाईस से कम पे नहीं आऊंगा, ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। तो मैं कितने से क्रैश करूं, तो एक्टिविटी क्रैश एक्टिविटी फाइव सिक्स बाय टू आवर, समझ में आया, टू आवर से क्यों करा, थ्री आवर नहीं कर पाएंगे, अगर थ्री आवर तक कर सकते थे पर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो सत्ताईस हो जाएंगे दोनों और वो अट्ठाईस रह जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, ऐसे निकाल लो सिंपल तरीका, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट और प्लस ओवरहेड कॉस्ट, दोनों तरीके हैं, सबसे सारे तरीके हैं मेरे पे निकालने के, हमारे पास माइनस करके निकाल सकते। नॉर्मल कॉस्ट आपकी वही लेकर चलो 1840, ये तो सब में एक जैसे लेना पड़ेगा आपको 1840। क्रैश कॉस्ट कितनी आएगी, क्रैश कॉस्ट जो होगी वो अब कितनी होगी दोस्तों, दो घंटे यहां रिड्यूस करे थे, ठीक है, दो घंटे इंटू, ध्यान देना ये आप, अब आप क्रैश कॉस्ट नहीं टोटल क्रैश लेनी पड़ेगी, दो घंटे रिड्यूस करे और हर घंटे रिड्यूस करने में ₹45 लगेंगे और प्लस प्लस क्रैश कॉस्ट पहले की भी तो रिड्यूस करी गई है, पहले भी तो रिड्यूस करा था क्रैश कॉस्ट, या तो आप उस तरीके से करो यार, नहीं ऐसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, आप बस थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई आपकी नॉर्मल कॉस्ट ये रही, क्रैश कॉस्ट टोटल अभी तक कितनी कर दी भाई, दो पैंतालीस यहां पर दो घंटे के हिसाब से क्रैश कॉस्ट हुई ₹90 और 45 पहले से हुई, तो टोटल क्रैश कॉस्ट ये हुई, ये आपकी टोटल क्रैश कॉस्ट है। फिर ओवरहेड कॉस्ट कितने घंटे के हिसाब से होगी, कितने घंटे आपने टोटल रिड्यूस कर दिया, अब ओवरहेड जो कॉस्ट होगी वो इतने घंटे के हिसाब से होगी। दोस्तों आपने दो घंटे रिड्यूस करा है, जब दो घंटे रिड्यूस करा वो भी कौन सी एक्टिविटी, पांच से छह और पांच से छह, जो कि तीनों में आ रही है, तो दो घंटे इधर से रिड्यूस होंगे ये हो जाएगा सर 28, दो घंटे इधर से रिड्यूस होंगे ये हो जाएगा 28 और दो घंटे इधर से रिड्यूस होंगे ये हो जाएगा
26, ठीक है, तो ये आपके पास 26 हो जाएगा। तो हमने 28 दो घंटे करा तो ओवरहेड कॉस्ट कितने पे लगेगी, 28 रुपए के हिसाब से, 28 घंटे के हिसाब से। एक घंटे के कितने थे 50, 28 घंटे हो गए प्रोजेक्शन टाइम, तो दो घंटे रिड्यूस हो गया, तो 28 इंटू 50 के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट आपकी लगेगी। अट्ठाईस इंटू पचास के हिसाब से करो टोटल इसका, तो ये आ गया 1840 प्लस 45 इस बार का 90 हो गया और पिछली बार का 45, 90 प्लस 45 ये आ गया 135 अगले इस बार, और टोटल लेंगे हमेशा यहां पर 28 इंटू 50 ये आ गया 28 इंटू 50 ये आ गया 1400, ऐड कर देंगे 1840 प्लस 135 और प्लस 1400 ये आ गया 33,715। और नीचे एक लाइन लिख देंगे आप कि एक्टिविटी 5 से 6 कैनॉट बी क्रैश फर्दर, कैनॉट बी क्रैश फर्दर, तो 5 से 6 वाली एक्टिविटी अब फर्दर क्रैश नहीं हो पाएगी, दो घंटे तक हो सकती थी, दो घंटे तक हमने उसको क्रैश कर दिया, तो ये अब एक्टिविटी फर्दर क्रैश नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। अब हमारा क्या रहेगा, अब ऊपर देखेंगे, तो अभी भी मैं जो 28 और 28 वाली एक्टिविटीज को रिड्यूस कर सकता हूं, 28 और 28 को मैं दो घंटे और रिड्यूस कर दूंगा 26 पे ला सकता हूं, तो दो घंटे इसको रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, दो घंटे इसको रिड्यूस करने के लिए मुझे मैं ले सकता हूं सर, एक तो 6 से 7 ले सकता हूं और एक 1 से 2 मेरी कॉमन एक्टिविटी होगी, कॉमन एक्टिविटी लेते हैं और एक अल्टरनेटिव एक्टिविटी लेते हैं, मतलब ये कि अगर कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटी, पहले आप ये देखो कॉमन एक्टिविटी देखेंगे, आप कॉमन एक्टिविटी देखेंगे, देखो हमें थर्ड क्रैशिंग करनी है, थर्ड क्रैशिंग करते टाइम हम देखेंगे, हम थर्ड कर रहे कुछ भी कर रहे हैं, हमें दो चीज देखनी है, सबसे पहले हमें देखनी है कॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी, और फिर लिखनी है अल्टरनेटिव एक्टिविटी, अल्टरनेटिव एक्टिविटी, मतलब मुझे ये देखना है कि मैं जो पहला पाथ है और दूसरा पाथ है मैं एक साथ रिड्यूस कर पाऊं, दो घंटे तक रिड्यूस कर सकता हूं, तो मेरी कॉमन एक्टिविटी देखिए एक 1 से 2 और एक 6 से 7, 1 से 2 में मेरी जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपए आती है और 6 से 7 में मेरी जो कॉस्ट आती है वो 1 से 2 और लिख देना और 6 से 7, या तो आप ये कर लो 1 से 2 वाली एक्टिविटी रिड्यूस करोगे तो आपका जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वो एक साथ रिड्यूस हो जाएगा, या तो 6 से 7 वाली रिड्यूस कर दो, पहला और दूसरा पार्ट एक साथ रिड्यूस हो जाएगा, 70 रुपए की कॉस्ट आएगी। अल्टरनेटिव क्या है, या तो आप कॉमन एक्टिविटी को रिड्यूस कर दो, देखो सुनना इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान देना, अगर आप 6 से 7 वाली रिड्यूस करते हो, एक 6 से 7 में अगर आप एक घंटा रिड्यूस करोगे तो तीनों एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तीनों में 6 से 7 है और तीनों एक एक घंटे से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 से 2 में रिड्यूस करोगे तो 1 से 2 में अगर एक घंटे से रिड्यूस करोगे तो तीनों में 1 से 2 है, तो एक एक घंटे में, ये होती है कॉमन एक्टिविटी की, अगर एक एक्टिविटी को रिड्यूस करने से तीनों एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है वो तीनों रिड्यूस होती है। पर अगर मैं सिर्फ ये दोनों एक्टिविटी रिड्यूस करना चाहूं तो मैं और तरीका भी है मेरे पे कि अगर मैं 2 से 3 वाली एक्टिविटी को या 3 से 5 वाली को रिड्यूस कर दूं और या 2 से 5 वाली को रिड्यूस कर दूं, क्योंकि 5 से 6 तो बचा नहीं, तो यहां पे मेरी 2 से 3 एक एक्टिविटी बची है, एक 3 से 5 बची है, 2 से 5 बची है, तो अगर मैं 2 से 5 और 3 से 5 या 2 से 3 इन एक्टिविटी को रिड्यूस कर दूं तो मेरी ये दोनों एक साथ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि 28 को रिड्यूस करना, पर 28 को रिड्यूस करने के लिए मुझे इसको भी साथ में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो कंडीशन ये है कि अगर आप 28 को रिड्यूस करना चाहते हो और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रिड्यूस करोगे, क्योंकि इससे नीचे नहीं आओगे, है ना, 28 को 2 घंटे रिड्यूस करोगे तो ये दोनों एक साथ रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो कॉमन एक्टिविटी होगी, मतलब अगर एक एक्टिविटी को रिड्यूस करूंगा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे दोनों के दोनों। अल्टरनेटिव एक्टिविटी होगी कि एक एक्टिविटी इसमें से रिड्यूस करूं और एक एक्टिविटी इसमें से रिड्यूस करूं, ये होगी अल्टरनेटिव एक्टिविटी, वो क्या बनता है, वो 2 से 3 बनता है। पर अगर आप यहां देखोगे, क्वेश्चन में देखोगे, तो जो 2 से 3 वाली एक्टिविटी है ना दोस्तों, इसमें ना क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है, देखो आप क्वेश्चन में देखोगे 2 से 3 वाली एक्टिविटी को क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है, यहां पर 5 नॉर्मल टाइम है और क्रैशिंग भी 5 है, तो 2 से 3 वाली में तो क्रैशिंग पॉसिबल है नहीं, तो उसको तो भूल ही जाओ आप। अब रही बात 3 से 5 वाली, तो अगर मैं 6 से 7 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस कर दूं तो वो तो एक ही एक्टिविटी से दोनों रिड्यूस हो जाएंगी, तो एक बार रिड्यूस करूंगा तो दोनों ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, या मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, अलग अलग कैसे, कि इस वाले पाथ में तो ये, क्योंकि मुझे करना दोनों को एक साथ है, ये कंडीशन में आई नहीं आई पहले बताओ,
और मैं इन दोनों को एक साथ करूंगा और सबसे पहले, और 2 घंटे से ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं कर सकता, मतलब 28 से मैं ज्यादा से ज्यादा 26 तक रिड्यूस कर सकता हूं सिर्फ 2 घंटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिग्नेचर करता हूं तो ये ज्यादा आ जाएगा, फिर ये क्रिटिकल बात बन जाएगा। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये सब। 3 से 5 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस कर लूं इसमें से, तो एक एक्टिविटी इधर से 27 हो जाएगा, और इधर से 2 से 5 वाली में एक अभी बचा हुआ है क्योंकि उसमें 2 घंटे तक रिड्यूस कर सकते थे, एक यूज कर लिया। तो 2 से 5 वाली को देखो, 2 घंटे रिड्यूस कर सकते थे, एक बचा हुआ है अभी इसमें, और 3 से 5 वाली, 3 से 5 वाली को 6 से 1 इसमें 1 घंटा रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी अल्टरनेटिव बच गई, 2 से 3 वाली भी थी अल्टरनेटिव बन सकती थी, पर ये इसमें कैशिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 से 5 और 2 से 5 कैशिंग पॉसिबल है। तो इधर देखेंगे, ध्यान देना, अल्टरनेटिव एक्टिविटी मतलब, और का मतलब है या तो आप ये कर लो तब भी वो दोनों रिड्यूस होगी एक साथ, ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर लो तब भी दोनों रिड्यूस होगी, पर इधर आपको 2 से 5 वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी और एंड साथ में 2 से 5 वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी और क्या है, 3 से 5 वाली एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। जब आप दोनों एक्टिविटी रिड्यूस करोगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्टिविटी, तो आपकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो 28 है वो दोनों एक साथ रिड्यूस होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। ये आपको हर बार चेक करना होगा मैथड, देखो ये खतरनाक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसलिए इंस्टीट्यूट ना इसको पूछता नहीं, ये बहुत कम होता है कि पूछता है। 2 से 5 वाले में एक चांस है रिड्यूस करने का, और 1 घंटा रिड्यूस कर दूंगा तो 45 रुपए की कॉस्ट आती है, मैंने निकाली हुई है। और 3 से 5 में अगर 1 घंटा रिड्यूस करूंगा तो उसमें भी 1 घंटा रिड्यूस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। देखो 2 से 5 में 1 घंटा रिड्यूस कर सकते हो, 12 में से 11 1 घंटा यूज कर लेता फर्स्ट क्रैशिंग में, 1 घंटा भी और रिड्यूस कर सकते हो, और 3 से 5 वाली में भी 1 घंटा रिड्यूस कर सकते हो। जब 1 घंटा रिड्यूस कर दोगे 3 से 5 वाली में, तो आप देखो 3 से 5 वाली में जो कॉस्ट है वो 50 है और 2 से 5 वाली में कॉस्ट है 45 है, 50 और 45, तो टोटल आपके पास कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 95। तो मेरे लिए बेटर क्या है, या तो मैं 1 से 2 कर लूं, या समय 6 से 7 कर लूं, या ये दोनों कर लूं, तो 3 ऑप्शन है मेरे पे। ऑप्शन नंबर 1 कि 1 से 2 वाली एक्टिविटी को 1 से रिड्यूस कर दो, 100 रुपए लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 6 से 7 वाली को रिड्यूस कर दो, 75 रुपए लगेंगे, 70 रुपए लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इन दोनों एक्टिविटी को एक साथ रिड्यूस करो तो 795 लगेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए वाला ऑप्शन बेस्ट है, एक्टिविटी 6 से 7 क्रैश्ड बाय, वैसे तो 2 घंटे तक कर सकता हूं क्योंकि 26 तक ला सकता हूं, पर इसमें जो ऑप्शन है वो 1 घंटे का ही है, 1 आवर। आप इधर देखो 6 से 7 वाली एक्टिविटी देख रहे हो, याली नॉर्मल टाइम कितना है 6 और क्रैश टाइम कितना है 5, तो मतलब मैं कितना घंटे रिड्यूस कर सकता हूं, 1 घंटा, तो 1 घंटा ही लग सकते हैं। जब मैं 1 घंटा इसमें रिड्यूस करूंगा तो दोस्तों क्या होगा, तो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, अब मैंने क्या करा, मैंने ऑप्शन 11 सेलेक्ट कर लिया, इस 6 से 7 को मैंने 1 घंटे से रिड्यूस करा। जब 6 से 7 को मैं 1 घंटे से रिड्यूस करूंगा, इधर देखो 6 से 7 इधर भी है, 6 से 7 इधर भी है, 6 से 7 इधर भी है, तो 1 घंटे जब 6 से 7 रिड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 तीनों में है, भले ही मेरा पर्पज इन दोनों करना था, पर इसमें भी तो है तो इसमें भी रिड्यूस होगा क्योंकि इस पाथ में 6 से 7 आ रहा है, तो 1 घंटा जब रिड्यूस करूंगा तो ये पाथ भी तो रिड्यूस हो जाएगा 1 घंटे से। अब मेरा पर्पज क्या है कि मैं फर्दर 2 घंटे और रिड्यूस कर सकता हूं, 25 तक ला सकता हूं, पर ये देखूंगा कि मेरे पे कॉमन पार्ट क्या है। अब जब एक्टिविटी 4 करूंगा, पर मैं कॉस्ट निकालता हूं, कॉस्ट निकालने के लिए बताओ मैंने कितने घंटे का प्रोजेक्ट हो गया मेरा, 27 घंटे का, तो ओवरहेड कितने से निकलेगा, 27 × 50। तो एक्टिविटी जो थर्ड एक्टिविटी है, चेक करना आ गया ना कॉमन कौन सी ऑप्शन से सेलेक्ट करे, तो टोटल कॉस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी नॉर्मल कॉस्ट प्लस टोटल क्रैश कॉस्ट और प्लस ओवरहेड कॉस्ट। तो नॉर्मल कॉस्ट है 1840, क्रैश कॉस्ट जोड़ दो सभी का, अभी तक का पहले का आया था, पहले दूसरे का आया, देखो पहले 2 का है 135, ठीक है, और इस बार का कितना है, कितने घंटे से रिड्यूस करा है, 1 घंटे से, और 1 घंटे की क्रशिंग कॉस्ट है देखो ये रही 70 रुपए, और ओवरहेड कॉस्ट कितने के हिसाब से आएगा, 27 के हिसाब से आएगा, 27 × 50। मैं जब आपको फर्दर आगे क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको रट जाएगा ये, मैं आपको बता रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक क्लास से जज मत करिए कृपया करके कि सर ये समझ नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ दूंगा इसको, 27 × 50 कर लेते हैं पहले, 1350 प्लस 135 प्लस 70 और प्लस 1840, ये आ गया 3395, तो ये आ गई टोटल कॉस्ट। तो 6 से 7 नीचे एक लाइन लिख देंगे वही कि एक्टिविटी 6 से 7 अब फर्दर रिड्यूस नहीं की जा सकती, फर्दर क्रैश नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे, फिर चेक करेंगे
मैं ही 27, पहले पार्ट में 27 है, दूसरे पार्ट में 27 है और तीसरे पार्ट में 25 है, तो मैं 27 27 को 25 दो घंटे तक रिड्यूस कर सकता हूँ। पर मेरा पर्पस नीचे वाले को देखना नहीं है, मेरे पर्पस ऊपर दो पार्ट को उसको उसको रिड्यूस करो, पर दोनों एक साथ करो। तो मैं स्टेप नंबर में फोर्थ क्रैशिंग करूंगा यहां पर, ठीक है, लिख लेना पूरा। और मैं देखूंगा कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन एक्टिविटी कौन सी है जो एक एक्टिविटी को रिड्यूस करने से दोनों रिड्यूस है, पहले दो और अल्टरनेटिव एक्टिविटी। ये सबसे अच्छा तरीका है देखने का, और जहां पर कॉस्ट कम आएगी वो लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अल्टरनेटिव में कम आ रही है, देखना आप, मेरी 102 एक्टिविटी बची, कॉमन एक्टिविटी में 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, और अल्टरनेटिव एक्टिविटी तो ये है ही, 2 से 5 एंड 3 से 5। पहले वाले में 45 आ रही है, दूसरे वाले में 50 आ रही है, तो मुझे यहां पर 95। तो भाई अल्टरनेटिव देखो आप, फिर दोबारा देखेंगे ऊपर, कितना भी टाइम लग जाए पर ये ध्यान से समझना है आपको। देखो अब 5 से 6 वाले तो ये काम खत्म हो गया इसका, अब इससे कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म हो चुकी, 5 से 6 वाला भी खत्म हो चुका, ठीक है। अब मेरे पे क्या क्या बचा, एक तो 2 से 3 वाला काम नहीं आएगा अब, क्यों, क्योंकि उसमें क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है। अब 1 से 2 मेरे तीनों में कॉमन है, 1 से 2 मेरा तीनों में कॉमन है, या तो मैं 1 से 2 को कर लू क्रैश, जब मैं इसको क्रैश करूंगा तो 1 घंटे तक क्रैश कर सकता हूं या 2 घंटे तक मैक्सिमम। पर 1 से 2 कितना क्रैश हो सकता है, 1 से 2 वाला 5 है और ये 4 है, तो 1 घंटा ही क्रैश हो पाएगा, और मैं 2 घंटे तक कर सकता हूं, पर इसमें क्रैशिंग 1 ही घंटे की है, छोड़ो उसको। इधर देखो 2 से 3 तो भूल जाओ क्रैशिंग है नहीं, और भी तो अल्टरनेटिव है, या तो आप 1 से 2 वाली एक्टिविटी को अगर आप क्रैश करते हो तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसलिए कॉमन बोला गया। अल्टरनेटिव मतलब अगर आप 1 से 2 वाला नहीं लेना चाहते तो आप क्या करो, इसके अंदर, इस वाले पाथ के अंदर एक एक्टिविटी को रिड्यूस करो और इस वाले के अंदर भी एक एक्टिविटी को रिड्यूस करो, दो बार करो। तो या क्या कर रहा हूं मैं, 2 से 5 एक्टिविटी में 1 बच गया था और 3 से 5 वाली ले लेता हूं, तो 2 से 5 और 3 से 5, 3 से 5 को 1 पर रिड्यूस कर सकता हूं, 2 से 5 को भी 1 पर रिड्यूस कर सकता हूं, अभी बताया कि दोनों में 1-1 बचा हुआ है। और जब मैंने दोनों को चेक करा तो मुझे नजर आया कि अगर आप 1 से 2 वाली एक्टिविटी को रिड्यूस करोगे तो आपकी 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, और अगर आप इन दोनों को एक साथ रिड्यूस करोगे, भले ही 2 एक्टिविटी रिड्यूस करो पर कॉस्ट कम आ रही है, तो क्या सही है आपको, ये लीस्ट है, इसलिए आप इन दोनों एक्टिविटी को 1-1 घंटे से कम करोगे, ठीक है। चेक करना, समझ में आया। तो एक्टिविटी क्रैश एक्टिविटी कौन कौन सी, मैं 1 के बदले में 2 एक्टिविटी क्रैश करने को राजी हूं, क्यों, क्योंकि 1 करूंगा तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी और 2 करूंगा तो 95 रुपए की कॉस्ट आएगी। क्रैश एक्टिविटी 2 से 5 करो एंड और 3 से 5, और दोनों एक साथ करो, क्यों, क्योंकि भैया अगर आप 1 कर दोगे तो क्रिटिकल चेंज हो जाएगा, फिर दोनों को ऊपर वाले को एक साथ करना है बाय 1 आवर्स, यही तो समझना है आपको, और इसी में आपको सारी मेहनत करनी है। 1 घंटे से को 1 घंटे से जब मैं इसको क्रॉस क्रैश कर दूंगा तो अब मेरे 1 घंटे से क्रैश हो गया 27 27, ये आ गया 26 और ये आ गया 26। जैसे ये 26 26 आया तो ये तो 25 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि इसमें तो वो है ही नहीं, मैंने सिर्फ इन दोनों को ही क्रैश करा, 3 से 5 और 2 से 5 को, इसमें है नहीं, तो 1 घंटे से मैंने इसको क्रैश कर दिया। अब मेरे क्या बचेगी भाई, अब मेरा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल कॉस्ट 1840 है, ठीक है, ये तो ठीक है, नॉर्मल को 1840। मेरी जो क्रैशिंग कॉस्ट है पहले कितनी थी, 135 प्लस 70, 135 प्लस 70, ये तो होगी 207 पिछले बार तक मेरी क्रैशिंग कॉस्ट, और अब मेरी क्रैशिंग कॉस्ट होगी 95, क्योंकि 1 घंटे की कॉस्ट है 95, 1 घंटा अगर कॉस्ट को दोनों को बढ़ाओगे तो 95 आएगी, तो 1 घंटा ही तो बस कम कराए, बढ़ाओगे नहीं, रिड्यूस करोगे तो। और अब मेरा जो ये आएगा 26 रुपए के हिसाब से आएगा, क्योंकि अब मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 घंटे से और कम हो गया, 26 हो गया, तो 26 × 50 + 207 + 95 + 1840 ये आ गया 3442। तो अब मेरी क्रैशिंग हो गया, स्टेप नंबर 5 में इधर कर देता हूं, स्टेप नंबर 5 फिफ्थ क्रैशिंग, और जब तक क्रैशिंग करते जाओ, सब कब तक करेंगे क्रैशिंग, देखो मैं बताता हूं आपको कब तक करेंगे, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको ध्यान भूल गए हो क्या पता, ये बताया था मैंने कि यहां पर जो हाईएस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 31 घंटे का है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कितना कर सकते हो, 25 घंटे तक, तो मुझे क्रैशिंग सिर्फ कितने घंटे तक करनी है, 25 घंटे तक मैं कर दूंगा तो मेरा क्रैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुझे मैक्सिमम क्रैशिंग 25 घंटे तक कर सकता हूं, क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 25 घंटे। समझ में आया था, ये क्या क्यों निकाला था, इसीलिए तो निकाला था कि आप ज्यादा से ज्यादा, आपका क्रिटिकल बात यह था 31 घंटे को आप 25 घंटे तक क्रैश कर सकते हो, तो यही मेरी क्रैशिंग पॉइंट है, मेरे को 25 तक लाना है, तो मैं कहां तक आ गया, 26 तक आ गया, मुझे मतलब नहीं, मुझे बस इसको 25 तक लाना है, बाकी तो साथ साथ चल रहे वो अलग चीज है, क्योंकि वो चेंज ना हो जाए क्रिटिकल पाथ, बाकी मेरा पर्पस इसको 25 तक लाना था, वो तो मैं इन दोनों को साथ साथ खींचते हुए इसलिए लाया क्योंकि ये छोटा ना हो जाए, उससे कोई और बड़ा ना हो जाए। अब 26 को मैं 25 बनाऊंगा तो 1 घंटे से और क्रैश कर दूं, कर दिया लो,
और ये भी क्रैश हुआ, क्योंकि अब जो मैं एक्टिविटी लेने वाला हूँ वन से टू लेने वाला हूँ, क्योंकि यही बची है अब कॉमन, और कुछ बची नहीं है, तो वन से टू लूंगा तो सब में हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 24। मुझे मतलब नहीं कि ये 24 हो गया, मुझे मतलब है कि ये आपके पास 25 रहा और ये हाईएस्ट है अभी भी, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5। और कौन सी एक्टिविटी को मैं क्रैश करूंगा, कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करूंगा दोस्तों मैं, एक्टिविटी, अब मैं अल्टरनेटिव देखूंगा ही नहीं, अल्टरनेटिव तब देखूंगा जब आपके पास होगा। तो मेरी कॉमन जो एक्टिविटी है, अल्टरनेटिव है ही नहीं, बची नहीं मेरे पास अल्टरनेटिव, वो वन से टू है जो तीनों में आ रही है, अल्टरनेटिव एक्टिविटी कोई नहीं बची दोस्तों, ठीक है। जो तीनों में, दोनों में अल्टरनेटिव हो, दोनों में एक अल्टरनेटिव थे, एक एक क्रैशिंग कॉस्ट कर सकते थे, वो हो जाता, दो दो होती तो मैं और एक साथ और करता अल्टरनेटिव। अगर उसमें क्रैशिंग लिमिट एक ही थी, जो अल्टरनेटिव था ना मेरे पे उसमें एक ही क्रैशिंग लिमिट था, अगर दो दो की होती तो मैं दो दो कर देता, पर एक ही था क्या करे, अब अल्टरनेटिव है नहीं तो यही लेके चलो। तो कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, नॉर्मल कॉस्ट है 1840 प्लस, और आपके पास 207 और 95 कितना आया, 207 प्लस 95 यह आ गया 302, 302 और प्लस ये इस बार का 100, ये तो 302 तो पिछली बार की क्रशिंग कॉस्ट है अभी तक की, और 100 इस बार का, और अब 25 रुपए के हिसाब से लगेगा कॉस्ट, जोड़ देंगे सर, तो 25 × 50 प्लस 100 प्लस 302 प्लस 1840 ये आ गया 3492, और ये आपके पास स्टेप नंबर 5 में आपकी क्रैशिंग कंप्लीट हो गई। जब आपकी क्रैशिंग कंप्लीट हो जाती है ना दोस्तों, तो क्रैशिंग कंप्लीट होने के बाद क्रैशिंग कैसे कंप्लीट होगी, कैसे पता चलेगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था और जो मेरा क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था, 31 घंटे को मैं 25 घंटे तक क्रैश कर सकता हूं, अगर आपने वहां तक क्रैश कर दिया सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए। देखो मेरी जो ये है ये किसी से कम नहीं है, इसके बराबर चलेगा पर इससे किसी से कम नहीं है, तो ये मेरी क्रैशिंग यहां पर कंप्लीट हुई। इस तरीके से आप यहां पर क्या करोगे दोस्त, क्रैशिंग करोगे। जब आप क्रैशिंग कंप्लीट कर लेते हो तो वैसे तो अगर बनाना चाहो बना सकते हैं, एक नेटवर्क डायग्राम बना देना क्रैशिंग करने के बाद, आफ्टर क्रैशिंग, इसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम आफ्टर क्रैशिंग। सामने देखेंगे दोस्तों क्या बनाया मैंने, नेटवर्क डायग्राम आफ्टर क्रैशिंग। ऐसे डायग्राम बनाने का पर्पज ये होता है कि मैंने अभी तक पहले क्या था मेरे साथ, पहले जो मेरा डाटा था वो लिख देता हूं मैं, जो मैंने एक फोटो खींच रखी पहले, आप अपने पीछे कॉपी में चेक कर लो, 5 और 4 था यहां पर, यहां 5 और 5 था, यहां 6 और 5 था, यहां 12 और 10 था, यहां 9 और 7 था दोस्तों, यहां 0 था। मैं अपने फोन में मैंने फोटो खींच रखी है उस जो सबसे पहले मैंने वो बनाया था, और यह 6 और 5 है, ये मेरा पॉसिबल पाथ था। अब मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी क्रैश करी, मैंने 102 एक्टिविटी क्रैश करी थी एक बार, तो मैं 5 से 1 बार क्रैश कर दी तो मेरी कितनी बच गई, 4 रह गई, ठीक है। यही बताना चाहता हूं कि पहले मेरा 5 था नॉर्मल टाइम, ये 1 घंटा क्रैश हो सकती थी और मैंने करी भी, तो अब मेरी कितनी बच गई, 4 आ गया, ठीक है। ये एक्टिविटी क्रैश हो नहीं सकती तो उसको 5 ही रहने दो। क्या मैंने 3 से 5 वाली एक्टिविटी क्रैश करी, यस, याद करो जब अल्टरनेटिव क्रैश करी थी तो 305 और 205 वाली करी थी, तो 3 से 5 वाली करी, तो ये मेरी अब 5 6 6 था उसका नॉर्मल टाइम, क्रैश कर दिया 1 घंटा तो अब कितना रह गया, 5 रह गया। क्या मैंने 2 से 5 वाली एक्टिविटी क्रैश करी, यस, और 2 बार करी थी, एक तो अल्टरनेटिव में एक फर्स्ट क्रैशिंग के अंदर। देखो एक फर्स्ट क्रैशिंग में एक तो यहां करी थी 2 से 5, ठीक है, 1 घंटा, और 1 घंटा हमने फर्स्ट क्रैशिंग में करी थी, देखो यहां 2 से 5, तो इसको 2 बार क्रैश कर चुके हैं हम, आ जाओ लास्ट में, तो यह मेरा 12 से 2 बार क्रैश कर दिया तो कितना रह गया, अब 10 रह गया। तो बस ये इतना लिखना है आपको। क्या आपने 2 से 4 वाली क्रैशिंग करी थी, नहीं, 2 से 4 वाली क्रैशिंग, 2 से 4 वाली एक्टिविटी को कभी क्रैश नहीं करा, तो क्रैश कराने तो 7 तक क्रैश कर सकते, तो नहीं करा तो नो ही रहने देंगे, नॉर्मल नो ही रहने देंगे। क्या आपने 5 से 6 वाली को क्रैश करा, हाँ, और वो 2 घंटे क्रैश करा हमने, तो ये 6 हो गई। क्या कर लो आपने 5 से 6 को 2 घंटे क्रैश करा था, क्या 6 से 7 को करा था, हाँ, इसको 1 घंटा करा था, ये 5 पे आ गया, आप 6 था 5 पे आ गया। और जब आप पॉसिबल पाथ चेक करोगे तो कर लो आप चेक, यहां से घूम कर एक ये हो गया, देखो आप ये वाला क्रिटिकल एक्टिविटी थी ना, देखो क्रिटिकल एक्टिविटी अभी भी हाईएस्ट आएगा, और यही होता है क्रैशिंग कि आपने पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 31 घंटे का था, आपने उसको 25 घंटे में लाया और अभी भी हाईएस्ट है वो। यही तो था क्रैशिंग का मतलब, स्टार्ट क्लास करने से पहले यही तो बताया था क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, क्रैशिंग मींस टोटल प्रोजेक्शन टाइम को रिड्यूस कर देना। और चेक कर लो आप, 4 + 10 + 6 + 5 यह आ गया 25, तो ये आपके पास 25 आया, इधर से जोड़कर, इधर से जोड़ लो आप, 5 5 10 और 6 और 4 10 और 5 25, इधर से जोड़ लो, 4 और 9, देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, और आपके पास 15 आ जाएगा यहां पर, और यहां आपके पास 24 आएगा, और ये 25 नहीं 24 था दोस्तों, आप ऊपर चेक कर लीजिए, ये चेक भी करना है एंड में, देखो ये वाला नीचे वाला 24 था, मेरा 24 आया,
ऊपर वाला पास 25 आया, क्रिटिकल पास भी 25 आया मेरा, और इस तरीके से मेरी क्रैशिंग कंप्लीट हुई। और आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, मैं कभी नहीं बनाता इतनी क्लास, क्योंकि क्वेश्चन खत्म कराना था, इस वजह से मजबूरी में ये बनानी पड़ी दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यही ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये सीखना है तो क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, कुछ मत पढ़ना, आज कोई सब्जेक्ट अदर मत पढ़ना, यही क्वेश्चन को एक घंटा बैठ जाओ, ये क्वेश्चन को दोबारा कर लेना सोचकर। अगर आपने अभी ये क्वेश्चन दोबारा कर लिया ना, तो उसके बाद मेरी एक क्लास और देख लेना अगली वाली, आपको ऐसा रट जाएगा फिर कभी नहीं भूलोगे, ये बात मेरी मान लेना। आज मैं पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी उसके बाद कोई और मत पढ़ना, जितना रेस्ट लेना ले लो, रेस्ट लेने के बाद आज ही के दिन में आपको ये कंप्लीट करना है ये वाली, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा करने के बाद मेरी नेक्स्ट क्लास भी देखनी है दोबारा, ये कर लेना आज के दिन, और मत पढ़ लो बाकी दिन, पढ़ लेना ओएम को भूल जाना। आज के दिन ये वाला मत पढ़ लो, आज के दिन कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है दोस्तों? आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, जल्दी खत्म नहीं हुई, मजबूरी थी, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास छोटी रखेंगे, क्वेश्चन ही कराऊंगा और जल्दी से हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर, थैंक यू वेरी मच।